नमस्कार दोस्तों, निशांति अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड कवर करने वाले हैं। जो चीजें हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे वो CSIR CASE एग्जाम के अकॉर्डिंग है। अगर आप ASO SO वाले एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसी के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे चीजें कवर करी है। तो अगर आप CSE के स्टूडेंट हो और अगर आप चाह रहे हो कि सिविल सर्विस एग्जाम के अकॉर्डिंग यहाँ पे कंटेंट मिल जाएगा तो वो नहीं मिलेगा, क्योंकि उसका पैटर्न ऑफ क्वेश्चन अलग है, यहाँ का पैटर्न ऑफ क्वेश्चन बिल्कुल अलग होगा। ठीक है, सो एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड CSIR CASE के नोटिफिकेशन में जो मेंशन है, जो सिलेबस, वो एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस का सिलेबस मेंशन है। एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस के अंदर हमें 6 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यहाँ पे कवर करने हैं। पहला जो टॉपिक है वो है एसेंस, डिटरमिनेंट्स एंड कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ एथिक्स एंड ह्यूमन एक्शन। ठीक है, चीजें आपको बाइलिंगुअल मिलेंगी, हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको यहाँ पे कंटेंट दिखेगा। ठीक है, लेकिन मेनली जो है इंग्लिश है, मतलब जैसे कुछ कुछ पॉइंट्स हैं जो इंग्लिश में है वहां पे थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज कर लोगे, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट जो है कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं आराम से, क्योंकि ऑब्वियस नहीं ये टॉपिक मेंशन करा गया, अब इसको मैं क्या हिंदी में कन्वर्ट करता। ठीक है, दूसरा जो टॉपिक है वो है डायमेंशन ऑफ एथिक्स, तीसरा जो है वो है एथिक्स इन प्राइवेट एंड पब्लिक रिलेशनशिप, चौथा जो है वो है ह्यूमन वैल्यूज, पांचवा जो है वो है रोल ऑफ फैमिली, सोसाइटी एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इन इनकल्केटिंग वैल्यूज, और जो छठा नंबर का जो टॉपिक है वो है लेसन्स फ्रॉम द लाइफ्स एंड टीचिंग्स ऑफ ग्रेट लीडर्स, रिफॉर्मर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स। ठीक है, तो ये टोटल 6 टॉपिक हैं जो आपको CSIR CASE के एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड के अंदर कवर करना है। सबसे पहला जो है वो है एसेंस, डिटरमिनेंट्स एंड कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ एथिक्स इन ह्यूमन एक्शन। ठीक है, इसे स्टार्ट करने से पहले हमें थोड़ा सा बेसिक समझना पड़ेगा कि एथिक्स होता क्या है, एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस का इंपॉर्टेंस क्या है, किस तरीके से ये एप्लीकेबल होता है। ठीक है, क्यों हम लोग एथिक्स पढ़ते हैं, क्या जरूरी है एथिक्स पढ़ना, ठीक है, कितना इंपॉर्टेंट होता है, तो हम लोग कुछ बेसिक समझेंगे, उसके बाद हम लोग ये जो 6 टॉपिक्स हैं हम लोग इसी वीडियो में कवर करने वाले। तो पूरा का पूरा ये मैराथन क्लास है, अगर आपने ये देख लिया अच्छे से, और उसके बाद जो PDF जो ये है ये पूरा अगर आप मैं शेयर करने वाला हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट है ये। ठीक है, निशांति अकेडमी टेलीग्राम चैनल, निशांति अकेडमी व्हाट्सएप ग्रुप, निशांति अकेडमी व्हाट्सएप चैनल, इन तीनों जगहों पे ये अवेलेबल होगा। आप तीनों में से कुछ भी ज्वाइन करो, ठीक है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। बस ये ध्यान रखना कि ये जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसकी लिमिट 1025 की होती है, जो कि रीच हो चुकी है, तो आप एक्स्ट्रा में तभी उसे ज्वाइन कर सकोगे जब कोई छोड़ेगा, ठीक है, उस ग्रुप को। तो आप सबसे बेस्ट है टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए, इसकी फीचर्स बहुत हैं टेलीग्राम में। तो क्या होता है, बहुत आराम से इजिली मैं PDF शेयर कर सकता हूँ, कोई भी चीज किसी भी तरह का अपडेट होता है तो वो मैं दे सकता हूँ, इजिली दे सकता हूँ। तो आप जो है टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करिएगा, बाकी चीजें आप ज्वाइन कर सकते हो, व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन कर लेना, वो ज्यादा बेटर है। ठीक है, सो हम लोग स्टार्ट करते हैं इसे। सबसे पहला जो है वो है डेफिनेशन ऑफ एथिक्स। देखो एथिक्स होता क्या है, अगर हम लोग एथिक्स समझे, कि अगर नॉर्मल लैंग्वेज में मैं आपको बताऊं कि एथिक्स होगा क्या, तो एथिक्स को हिंदी में तो सबसे पहले नैतिकता कहते हैं। ठीक है, तो नैतिकता क्या होती है कि आप जो है अपने अकॉर्डिंग या अपने जो कल्चर से आप निकल के आ रहे हो उस कल्चर के अकॉर्डिंग आप बता सको कि ये मेरे लिए सही है, ये मेरे लिए गलत है। ठीक है, तो वो हो गया मेरा एथिक्स। इसे अगर मैं एग्जाम्पल से समझाता हूँ तो वो ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। जैसे फॉर एग्जांपल कि आप यूट्यूब पर सर्च कर रहे हो कि CSIR की एथिक्स किसी ने पढ़ाई है या नहीं, आपको मेरी वीडियोस दिख गई, ठीक है, आपको लगा कि यार गजब का कंटेंट है, सारी चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हुई है यहाँ पे, ठीक है, नोट्स भी अच्छे दिए हैं सर ने और फ्री ऑफ कॉस्ट भी दिया हुआ है। ठीक है, तो आप तो अपना काम निकाल रहे हो वहां से, बदले में आपने कुछ दिया नहीं। जैसे आपको लाल कलर का यहाँ पे सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, आपने सपोर्ट नहीं करा मुझे, आपने सिर्फ अपने बारे में सोचा, ठीक है, अपना कंटेंट प्रिपेयर करा, अपने एग्जाम का प्रिपरेशन स्टार्ट करा, लेकिन आपने कुछ दिया नहीं मुझे। ठीक है, गुरु दक्षिणा में मुझे सिर्फ सिंपल सा एक सब्सक्राइब का बटन कर जो है दबा दोगे और सब्सक्राइब कर दोगे, एक तरह से सपोर्ट मिल जाएगी एक सर को। ठीक है, तो अगर आपने वो नहीं करा, आपने आपको ये वीडियो अच्छी लगे कि वीडियो के अंदर सारी चीजें बहुत अच्छे से सर ने एक्सप्लेन करी है, लेकिन आपने वीडियो को लाइक नहीं करा और मोटिवेट नहीं करा, तो फिर वो एथिक्स नहीं है। एक्चुअल डेफिनेशन पे आते हैं कि एथिक्स की एक्चुअल परिभाषा क्या है। सो बेसिकली एथिक्स जो है वो एक ब्रांच है फिलॉसफी का, जिसे मोरल फिलॉसफी भी कहते हैं, मतलब एथिक्स को हम लोग मोरल फिलॉसफी भी कहेंगे, और चूंकि ये फिलॉसफी का एक ब्रांच है जो डील करता है मोरल वैल्यूज के साथ। मोरल वैल्यूज में मतलब मोरली क्या सही है,
क्या गलत है ये हमें बताता है कौन, एथिक्स। बेसिकली एथिक्स जो है ये है क्या, सेट ऑफ प्रिंसिपल्स एंड लॉज है जो किसने बनाए हैं, किसी कम्युनिटी ने बनाए हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन ने बनाए हुए हैं, किसी ग्रुप ने बनाए हुए हैं, जिसे उस ग्रुप के अंदर जो भी एनरोल्ड है, उस कम्युनिटी में जो भी लोग आते हैं, जैसे हिंदुइज्म, ठीक है, हिंदुइज्म में जो लोग आते हैं वो हिंदुइज्म के अकॉर्डिंग कुछ सेट ऑफ रूल्स हैं जो उन्हें फॉलो करने पड़ेंगे। जो मुस्लिम कम्युनिटी में आते हैं वो मुस्लिम के अकॉर्डिंग जो सेट ऑफ रूल्स बनाए हुए हैं, जो प्रिंसिपल बनाए हुए हैं, वो उन्हें फॉलो करने पड़ेंगे, वो उनके अकॉर्डिंग एथिक्स हो गया, ठीक है। तो बेसिकली एथिक्स क्या है, एक फिलॉसफी का एक ऐसा ब्रांच है जहां पे कुछ सेट ऑफ प्रिंसिपल्स, सेट ऑफ रूल्स लिखे हुए हैं जो हमें मोरली क्या सही होना चाहिए, क्या गलत होना चाहिए ये बताता है। यहाँ पे हमें डिसीजन लेने की प्रेरणा देता है, मतलब समझाता है कि भाई तुझे ये करना चाहिए, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक वेजिटेरियन फैमिली से बिलोंग करते हो जहां पे लहसुन प्याज भी बैन है, मतलब वो भी नहीं खा सकते हो आप, तो उस सिचुएशन पे अगर आप मार्केट में फ्रेंड के साथ गए घूमने के लिए और आपके सारे फ्रेंड जो है नॉनवेज खाते हैं, तो उस समय जो है आप सीधा बोलोगे कि ठीक है तू लोग खा, मैं साइड में खड़ा हो जाता हूँ, ठीक है। ये हो गया यहाँ पे क्या, एथिक्स, कि आपकी जो नैतिकता है वो आपको खाने से मना कर रही है, तो आपने वहां पे एक डिसीजन लिया। तो मोरल वैल्यूज के अकॉर्डिंग जो सेट ऑफ प्रिंसिपल्स जो डिटरमाइन करे गए हैं आपके लिए, आपने उसके अकॉर्डिंग डिसीजन लिया, ठीक है, कि मुझे ये नहीं खाना है, क्यों, अगर मैं खाऊंगा तो मेरा फिर जो मान्यता है वो क्या हो जाएगा, वो भ्रष्ट हो जाएगा, धर्म भ्रष्ट हो जाएगा यहाँ पे। तो क्लियर हो गया यहाँ पे डेफिनेशन ऑफ एथिक्स। सो एथिक्स इज अ ब्रांच ऑफ फिलॉसफी दैट डील्स विद व्हाट इज कंसिडर्ड मॉरली राइट और रॉन्ग। इट इन्वॉल्व्स अंडरस्टैंडिंग एंड इवेल्युएटिंग ह्यूमन बिहेवियर इन टर्म्स ऑफ प्रिंसिपल्स एंड वैल्यूज, ठीक है। ये लाइन क्या कह रहा है, ये लाइन हमें ये कह रहा है कि जो एथिक्स है, बेसिकली आप एथिक्स के बिहाफ पे किसी भी ह्यूमन का बिहेवियर जो है वो आप एनालाइज कर सकते हो कि ये मोरली जो है वो कितना सही है, कितना गलत है, ठीक है। एक मूवी है, आई थिंक मुन्ना भाई MBBS ही है, जिसमें जो है एक लड़की जो है वो मुन्ना भाई से पूछती है कि मेरी शादी जो है अरेंज मैरिज हो रही है, मुझे लड़के के बारे में कुछ नहीं पता, तो मैं उसे शादी कैसे करूं, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है, वो सही है या गलत है, ये कैसे डिसाइड किया जाए। तो वो कहती है कि उसे एक मतलब उसमें फिल्म में ये जो कहा गया है कि जो है तो उसे रेस्टोरेंट में बुलाओ और देखो वो वेटर को कैसे बुलाता है, अगर वो इशारा करके ऐसे करके बुला रहा है या फिर वो कह रहा है ए भाई इधर आ जा, ठीक है, मतलब उसके टोन में अगर रिस्पेक्ट नहीं आ रहा है तो इसका मतलब जो है वो बंदा सही नहीं है आपके लिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि अगर आपको ह्यूमन बिहेवियर को इनकल्केट करना है, अगर आप ह्यूमन बिहेवियर को इवेल्युएट करना चाहते हो, तो उसमें जो सबसे बड़ा रोल होता है वो है एथिक्स का। आप एथिक्स जो है देखते हो कि उस बंदे के अंदर कितने ज्यादा एम्बेडेड है, अगर एथिकल अगर वो नहीं होगा तो आप उसे मना कर दोगे। कोई भी लड़की है वो चाहेगी कि जो मेरा जो हस्बैंड है वो थोड़ा एथिकल हो। सो इन सिंपल लैंग्वेज एथिक्स इज अबाउट फिगरिंग आउट हाउ वी शुड बिहेव, ठीक है, एंड व्हाट एक्शन आर गुड और बैड, ठीक है। मतलब जो एथिक्स है वो हमें क्या करता है, फिगर आउट करने की, मतलब एक डिसीजन मेकिंग का यहाँ पे रूल आ जाता है कि आप इथिकली जो है आप समझ सकते हो कि मेरे लिए क्या सही है क्या गलत है, ठीक है। क्लियर हो गया डेफिनेशन। देखो एथिक्स को हम लोग मोरल फिलॉसफी कहते हैं, ये ध्यान रखना, और जो फादर ऑफ एथिक्स है वो एरिस्टोटल को कहा जाता है। एग्जाम्पल्स मैंने आपको यूट्यूब वाला बता दिया है, इसके अलावा आपने देखा होगा कि डिसेप्टिव एडवर्टाइजमेंट से रिलेटेड केसेस जो है आ रही थी, कि जो है बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट जो है बहुत सारे टॉपर्स को एक साथ दिखा देते हैं, इतने टॉपर बनते नहीं है CSE के पेपर में, उससे ज्यादा जो है वो लिस्टेड होते हैं, ठीक है, कि इतने सारे टॉपर्स हमारे यहाँ से निकले हैं। तो ये क्या है, ये एक डिसेप्टिव एडवर्टाइजमेंट है, अगर कोई इसे अवॉइड कर रहा है तो वो एथिक्स है, लेकिन अगर कोई इसका यूज कर रहा है तो वो अनएथिकल हो गया। उसी तरह से फेयर प्राइसिंग, आपने बड़ा बिजनेस वाला केस सुना होगा डॉक्टर विवेक बिंद्रा का, कि उनके कोर्सेज जो है 1,00,000 रुपए तक के भी बिक रहे थे, तो जो कि उसके अंदर जो कंटेंट है वो यूट्यूब वाला ही है, मतलब वो क्या करते हैं कि यूट्यूब पे पहले कंटेंट डालते हैं एज अ वीडियो फॉर्मेट, और फिर जैसे ही उन्हें व्यूज मिल गए, मतलब एक तीर से दो निशाना, ठीक है, सबसे पहले क्या करते हैं वो यूट्यूब पे कंटेंट डालते हैं अपना, ठीक है, और जितना कमा सकते हैं वो यूट्यूब से उतना कमाते हैं, और उसके बाद फिर उस कंटेंट को वहां से उठा करके फिर कोर्स में डाल देते हैं, फिर कोर्स बेचना शुरू कर देते हैं, और उस कोर्स की प्राइस 1,00,000 रुपए तक होती है, मतलब 30,000 से लेकर के 1,00,000 रुपए तक की होती है। तो यहाँ पे फेयर प्राइसिंग अगर होती है तो फिर वो एथिकल है, और अगर नहीं होती है तो वो अनएथिकल हो गया। उसी तरीके से जो है ऑनेस्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रोडक्ट और सर्विसेज, फॉर एग्जांपल MLM वाला जो है वो भी डॉक्टर विवेक बिंद्रा वाला ही केस है, जो आपको यूट्यूब पे अभी कुछ दिनों पहले दिखा होगा, बहुत ज्यादा
जो है ये बवंडर मचा हुआ था इस पर कि जो है वो एक्चुअल में क्या करते हैं, वो कोर्स तो बेचते हैं लेकिन कोर्स के नाम पे वो कोर्स नहीं बेचते हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो सेल्स टीम क्रिएट कर रहे हैं कि जो बंदा जिस बंदे ने कोर्स लिया है उसे क्या करना है, उसे फिर आगे चल के जो है फिर से कोर्स को किसी और को बेचना है 30% कमीशन निकालने के लिए अपना। ठीक है, तो ये सब क्या हो गया, ये सब जो है मतलब अगर कोई इन सब चीजों को अवॉइड कर रहा है, गलत चीजों को अवॉइड कर रहा है तो वो एथिक्स के अंदर आएगा। ठीक है, ट्रीटिंग कोलिग्स विथ रिस्पेक्ट रिगार्डलेस ऑफ देयर पोजिशन और बैकग्राउंड। ठीक है, वो किस बैक, मतलब अगर आप किसी एक कंपनी में वर्क कर रहे हो और उस कंपनी में सारे लोग एक साथ जो है इक्वलिटी की भावना फील कर रहे हैं, रियलाइज कर रहे हैं कि हम सभी जो है एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं, तो वो बहुत ही एथिकल है। लेकिन अगर वहां पे क्या भेदभाव स्टार्ट हो गया, ठीक है कि वो हिंदू है, वो मुस्लिम है, ठीक है वो सीनियर है, वो जूनियर है, मुझे उसे इस तरह से बात करनी है, मुझे उसे रिस्पेक्ट नहीं देना है, क्यों, क्योंकि वो भले ही बुजुर्ग है लेकिन काम उसका मेरे से छोटा वाला है। ठीक है, तो अगर इस तरह की भावना आ गई तो वो अनएथिकल हो जाएगा। उसी तरह से रिस्पेक्ट द प्राइवेसी ऑफ इंडिविजुअल इन द डिजिटल स्पेस। आपने अभी देखा होगा जो भी चीजें आ रही हैं एप्लीकेशन के फॉर्म में, वो आपसे कुछ एक्सेस मांगती हैं आपके डाटा का, चाहे वो नंबर हो चाहे वो मैसेज हो, ठीक है इस तरीके का। तो अगर उन्होंने प्राइवेसी को फॉलो करा तो वो एथिकल हो गया, अगर उन्होंने प्राइवेसी को फॉलो नहीं करा, प्राइवेसी रूल्स को, तो वो अनएथिकल हो गया। ठीक है, तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं, आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो कुछ ऐसे स्कॉलर्स हैं जिन्होंने एथिक्स को डिफाइन करा है अपने अपने लैंग्वेजेस में, अपने अपने तरह से डिफाइन करा है। इसमें एक है रशवर्थ किडर और दूसरा जो है वो है रिचार्ड विलियम पॉल एंड लिंडा एल्डर। रशवर्थ किडर के अकॉर्डिंग जो एथिक्स है वो एक्चुअल में साइंस है आइडियल ह्यूमन कैरेक्टर्स और साइंस ऑफ मोरल ड्यूटी का। ठीक है, व्हाट इज एथिक्स, तो एथिक्स इज द साइंस ऑफ आइडियल ह्यूमन कैरेक्टर और द साइंस ऑफ मोरल ड्यूटी, सेड बाय रशवर्थ किडर। ठीक है, उसी तरीके से जो एथिक्स है वो एक्चुअल में है क्या, सेट ऑफ कॉन्सेप्ट एंड प्रिंसिपल्स है दैट गाइड अस टू डिटरमाइन व्हाट बिहेवियर हेल्प्स और हार्म्स सेंटिमेंट क्रिएचर्स। मतलब जो सेंटिमेंट क्रिएचर्स हैं, जो संवेदनशील जो प्राणी है, ठीक है, उन्हें जो है वो हेल्प करता है या हार्म करता है। मतलब ये ऐसे सेट ऑफ कॉन्सेप्ट और प्रिंसिपल्स हैं जिसे अगर फॉलो किया जाए तो वो क्या करते हैं, जो संवेदनशील प्राणी है या तो उनकी मदद करेंगे या फिर उन्हें हार्म पहुंचाएंगे। ठीक है, तो ये जो डेफिनेशन है एथिक्स का वो किसने दिया है, तो रिचार्ड विलियम पॉल और लिंडा एल्डर ने दिया हुआ है। ठीक है, आपसे क्या किस तरह से क्वेश्चंस बनेगा, आपको लाइन दे देगा उठा के और बोलेगा कि ये किसने कहा है। ठीक है, क्लियर हो गया यहां तक। नेक्स्ट आते हैं हम लोग नेचर ऑफ एथिक्स पे। देखो बेसिकली नेचर ऑफ एथिक्स जो है वो बहुत तरीके की प्रकृति होती है, बहुत तरीके के एथिक्स के नैतिकता के नेचर होते हैं, लेकिन इसमें से चार बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला जो है वो है एथिक्स का नेचर क्या होता है, सब्जेक्टिव होता है। सब्जेक्टिव का मतलब ये है, ये बहुत एक्सटेंसिव होता है। मतलब आप देखो कि बहुत सारी कम्युनिटीज है पूरे वर्ल्ड में, अलग अलग तरह की कम्युनिटीज हैं, उनके कल्चर्स अलग अलग हैं, तो हर कल्चर के अकॉर्डिंग, हर कम्युनिटी के अकॉर्डिंग उनका एक अपना सेट ऑफ प्रिंसिपल्स होगा जो उनके जो मेंबर्स होंगे, जो उनके अंदर जो लोग होंगे उन्हें फॉलो करने होंगे। ठीक है, जैसे हिंदुइज्म, हिंदुइज्म का एक अपना सेट ऑफ प्रिंसिपल है जो हर एक हिंदू को फॉलो करना होता है। अगर मैं हिंदुइज्म के अंदर घुसूं तो बहुत सारे आपको कास्ट दिखेंगे, उन कास्ट के अपने एथिक्स होते हैं जो सभी को फॉलो करने होते हैं। उसके अंदर और घुसो तो और भी डिवाइडेड होगा, कुछ वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन में डिवाइड होता है। ठीक है, और भी अलग अलग तरह के डिविजन्स हो सकते हैं, तो सबका अपना सेट ऑफ प्रिंसिपल्स है जो सभी को फॉलो करने हैं। तो एथिक्स को अगर देखा जाए तो कल्चर्स की इतनी ज्यादा विविधता है, इतनी ज्यादा वेराइटीज है कि उसके अकॉर्डिंग जो है एथिक्स कल को अगर सही तरीके से समझा जाए तो बहुत बड़ा हो सकता है, बहुत एक्सटेंसिव हो सकता है, जिसके कारण इसे सब्जेक्टिव नेचर का कहा जाता है। ठीक है, दूसरा जो है प्रिंसिपल्स एंड वैल्यूज। जो एथिक्स है वो एक्चुअल में है क्या, सेट ऑफ प्रिंसिपल्स है, सेट ऑफ वैल्यूज है जो ह्यूमन बिहेवियर को मॉडिफाई करता है या उसे और अच्छा करता है, उसे निखारता है। ठीक है, सोशली जो है वो एक्सेप्टेबल होता है और जो है वैल्यूबल वैल्यू बनाता है। एक्चुअल में क्या है, एक ह्यूमंस की क्या वैल्यू है, ठीक है, वो अगर कोई बता सकता है तो वो एथिक्स ही बता सकता है। ठीक है, तो एथिक्स का एक नेचर क्या है, ये सेट ऑफ प्रिंसिपल्स है और वैल्यूज के अकॉर्डिंग काम करता है। तीसरा, डिसीजन मेकिंग में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। जैसे अगर मान लो कि अगर आप एक नॉन वेजिटेरियन फैमिली से बिलोंग करते हो, ठीक है, तो आपको जो है एक पार्टी के लिए इनविटेशन मिला जो एक वेजिटेरियन पार्टी है, तो फर्स्ट डिसीजन यही लोगे कि वहां पे चिकन नहीं मिल रहा है, मैं नहीं जाने वाला। ठीक है, तो मतलब एक छोटा सा एग्जाम्पल मैंने लिया कि डिसीजन मेकिंग में ये बहुत ज्यादा हेल्प करता है।
ठीक है, कि आपको क्या डिसाइड करना है। अगर आप एक एथिकल हो, ठीक है, एथिकल मतलब आपके अंदर नैतिकता है, और आपको लग रहा है कि यहाँ पे कंटेंट बहुत ही जेन्यून है, बहुत सही तरीके से हो, तो बिना सब्सक्राइब किए तो आप जाओगे ही नहीं। ठीक है, सब्सक्राइब करोगे, वीडियो समझ में आ रही होगी तो वीडियोस को लाइक करोगे, मोटिवेट करने के लिए कॉमेंट कर सकते हो आप। ठीक है, तो ये हो गया एथिकल नेचर। तो यहाँ पे क्या है, एक डिसीजन लेने की जो है एक क्षमता आती है कि मेरे कल्चर के अकॉर्डिंग, मेरी सभ्यता के अकॉर्डिंग, ठीक है, जो मेरा जो कल्चर है, जो मेरी जो कम्युनिटी है, उसके अकॉर्डिंग मुझे इस तरीके के सेट ऑफ प्रिंसिपल सिखाए गए हैं कि अगर जो है मुझे किसी से फायदा हो रहा है, किसी से हेल्प हो रहा है, तो मैं उसे थैंक यू जरूर कहूँ। ठीक है, तो ये जो है आप क्या कर रहे हो, एक डिसीजन ले रहे हो कि मुझे करना है कि नहीं करना है, तो ये क्या हो गया, ये एथिकल हो गया। ठीक है, सेट ऑफ प्रिंसिपल और वैल्यूज के अकॉर्डिंग हमें डिसीजन लेने में मदद करता है। और जो चौथा है वो है कॉन्सिक्वेंसेस, परिणाम, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एथिक्स का एक नेचर क्या है, ये हमेशा परिणाम ओरिएंटेड होता है, रिजल्ट ओरिएंटेड होता है, आउटकम्स के अकॉर्डिंग होता है कॉन्सिक्वेंसेस। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आप ये करोगे तो आपके साथ ये हो जाएगा। फॉर एग्जांपल ऐसे समझो कि एक वेजिटेरियन फैमिली है जो नॉन वेज ग्रुप में बैठी हुई है, तो नॉन वेज ग्रुप में जितने सारे लोग चिकन खा रहे होंगे, तो वो क्या करेगा, वो वहां पर डिसीजन लेगा कि मुझे नहीं खाना है। क्यों? क्योंकि मेरा कल्चर मुझसे ये नहीं कहता। तो वो सिंपल उस समय वो या तो वो उठ के वहां से चला जाएगा, या अपने लिए कुछ और ऑर्डर करने के लिए कहेगा वो मतलब और भी जो ग्रुप में मेंबर है कि भाई मेरे लिए ये लेकर के, अगर मैं कंपनी मेरी चाहता है तो। ठीक है, तो हमेशा परिणाम ओरिएंटेड होता है, वो उसके दिमाग में हमेशा रहेगा कि अगर मैं खा लूंगा इसे तो मेरे साथ ऐसा हो जाएगा, मेरा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, इस तरह की चीजें। ठीक है, तो हमेशा ये कॉन्सिक्वेंसेस जो है को लेकर के चलता है। एथिक्स का नेचर है कि वो हमेशा रिजल्ट ओरिएंटेड होता है। तो ये चार इंपॉर्टेंट नेचर हैं, इसके अलावा एक दो और होते हैं। ठीक है, जैसे कि आप देखो यूनिवर्सल एंड कल्चरल एस्पेक्ट, ये भी जो है ये एक नेचर है एथिक्स का। मतलब एथिक्स जो है वो यूनिवर्सल हो सकता है, यूनिवर्सल मतलब हर कोई, कुछ ऐसे एथिक्स होते हैं जो पूरे वर्ल्ड में माने जाते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल ऑनेस्टी, लॉयलिटी, ये पूरे वर्ल्ड में एक समान है। ठीक है, उसी तरह से कुछ ऐसे होते हैं जो कल्चर के अकॉर्डिंग होते हैं, जैसे शराब का पान। ठीक है, बहुत जगहों पे ये, बहुत सारी कम्युनिटी में ये अनएथिकल है, लेकिन बहुत कोई जो है सेलिब्रेशन के समय में इसे पीते हैं। ठीक है, मतलब उनके वहां पे क्या है, सेलिब्रेशन का मतलब ही है दो बोतल वोडका। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये जो है यूनिवर्सल भी हो सकता है और कल्चरल एस्पेक्ट भी हो सकता है। इसके अलावा कंटिन्यूअस रिफ्लेक्शन, तो कंटिन्यूअस रिफ्लेक्शन में क्या है कि जो एथिक्स है वो हमें जो है एक एथिकल बिहेवियर जो है हमेशा रिफ्लेक्ट करता है। फॉर एग्जांपल अगर आप एक ऐसी सोसाइटी में जा रहे हो जहां पे एथिक्स को बहुत ज्यादा मान्यता मिल रही है, तो आप वहां पे जाकर के आपको अच्छा फील होगा, आपको लगेगा कि यार कितने सभ्य लोग हैं, कितने अच्छे से ट्रीट कर रहे हैं। लेकिन वहीं आप अगर आप एक अनएथिकल फैमिली में चले गए जहां पे मैनर्स नहीं है, ठीक है, कोई कैसे भी बात कर रहा है, कोई तू लगा के बात कर रहा है बड़ों से, कोई रिस्पेक्ट नहीं है, कोई कुछ भी बोल दे रहा है, तो आप वहां पे जाके अनकंफर्टेबल फील करोगे। तो हमेशा जो है ये रिफ्लेक्ट करता है सोसाइटी को, कल्चर को, किसी ग्रुप को, किसी फैमिली को, ठीक है, कि वो कितना एथिकल होगा, कितना अनएथिकल होगा। ये हो गया मेरा कंटिन्यूअस रिफ्लेक्शन। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम लोग मोरल और एथिक्स के बीच में क्या डिफरेंस है। जैसा कि मैंने बोला था कि एथिक्स को हम लोग मोरल फिलॉसफी भी कहते हैं, तो मोरल फिलॉसफी और मोरलिटी में क्या डिफरेंस है। देखो, दो तरह से मान्यताएं बनती है, एक जो एक्सटर्नली बन रही है, जैसे हम जिस कल्चर से आ रहे हैं, जिस फैमिली से आ रहे हैं, ठीक है, जिस कम्युनिटी से आ रहे हैं, उस कम्युनिटी के सेट ऑफ प्रिंसिपल हैं, उसे हमें बच्चों से सिखाया जाता है कि ऐसा करना है, ऐसा नहीं करना है, ये करेंगे तो ऐसा होगा, वो करेंगे तो ऐसा होगा। ठीक है, इस तरीके से बताया जाता है। ठीक है, तो ये जो सेट ऑफ प्रिंसिपल है जो किसी कम्युनिटी के द्वारा बनाए जाते हैं, और उसे अगर आप उस कम्युनिटी में रहना चाहते हो, उस कम्युनिटी में चाहते हो कि मेरी मान्यता हमेशा बनी रहे, तो आपको क्या करने पड़ेंगे, उन प्रिंसिपल्स को फॉलो करने पड़ेंगे। ये हो गया मेरा एथिक्स। लेकिन जब कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि वो इनर एक्सपीरियंस मिलता है, जैसे कुछ चीजें ऐसी होंगी कि जब आप उस चीज को फेस करोगे तब आपके दिमाग में आएगा कि यार ये जो है मेरी कम्युनिटी के अकॉर्डिंग ये चीजें जो करी गई हैं ये गलत है, यहाँ पे ऐसे होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल हिंदुइज्म बहुत अच्छा धर्म है, सनातन धर्म जो है विश्व का सबसे पुराना धर्म है, लेकिन अब चूंकि इसके अंदर बहुत ज्यादा आडंबर भर गया है, बहुत ज्यादा ढोंग होने लगा है, तो आपको बहुत जगह पे गिल्ट फील होगा कि यार ये चीजें जो हो रही है यहाँ पे ये गलत है। जैसे बिल्ली अगर रास्ता काट दे तो उसे पार नहीं करना चाहिए, लोग वेट करते रहते हैं भाई कोई पार करे, या फिर कोई पत्थर फेंक दो उसके बाद फिर पार करो, ठीक है, ये क्या है, ये एक आडंबर है। तो आपको यहाँ पे जो है आपको खुद एक्सपीरियंस करना पड़ेगा। जैसे किसी ने क्या करा,
जो मैं अक्सर करता हूँ, मैं क्या करता हूँ, बिल्ली रास्ता काटे, कुत्ता रास्ता काटे, कोई फर्क नहीं पड़ता, जानवर ही काटेगा ही, मैं निकल गया, देखता हूँ क्या शुभ होता है, आज तक कभी कुछ हुआ नहीं वहां पे। तो यहाँ पे क्या हो गया, आपका जो सेल्फ एक्सपीरियंस है, ठीक है, आपका जो सेल्फ एक्सपीरियंस है कि आपने क्या फील करा, किस तरीके की चीजें रियलाइज करी, तो जो आप खुद एक्सपीरियंस कर रहे हो, तो उस एक्सपीरियंस के बिहाफ पे आप अपने कुछ खुद के सेट ऑफ प्रिंसिपल्स बनाते हो, जो आपको फॉलो, जो आपको लगता है कि मुझे ये फॉलो करना चाहिए, ठीक है, वो कहलाता है मोरलिटी। ठीक है, तो बेसिकली मोरलिटी क्या है, मोरलिटी एक इनर एक्सपीरियंस से निकलने वाले कुछ सेट ऑफ प्रिंसिपल्स हैं जो आप अपने लिए बनाते हो। ये इथिक्स से या आपकी कम्युनिटी से डिफर कर सकता है, ठीक है, ये मैच भी कर सकता है। बहुत बार क्या होगा कि आपको लग रहा है कि मेरे जैसे, जैसे आप देखो कि हिंदुइज्म में क्या होता है कि हर चीज की पूजा होती है, हर चीज को मान्यता दी जाती है, हर चीज को कहा जाता है यार ये ठीक है, इससे हमें कुछ सीखने को मिल रहा है, ठीक है, हर चीज को अगर जो है सराहा जाता है, ये हिंदुइज्म है। अगर आप खुद भी सोचते हो ना कि इसका एक अच्छा बेनिफिट है कि हम हर चीजों की इज्जत करना सीखेंगे, ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये एथिक्स के अंदर भी आ गया, मोरलिटी के अंदर भी आ गया, क्योंकि आपने खुद भी रियलाइज करा। लेकिन जहां पे आप कुछ चीजें रियलाइज कर रहे हो और अगर आपको लग रहा है कि इथिकली या जो हमारे कम्युनिटी से जो निकल के आया है ये चीज, ये सही नहीं है, यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, ठीक है, यहाँ पे ये नहीं होना चाहिए, अपने अपने रीजंस के थ्रू, रीजनिंग के थ्रू, ठीक है, अपने तर्क के थ्रू, अपने एक्सपीरियंसेस के थ्रू, आपने उसके ठीक अपोजिट कुछ चीजें एक्सपीरियंस करी है, तो आप अपने आगे वाले जनरेशन को वो चीज नहीं बताओगे, आप बोलोगे कि नहीं, खुद भी नहीं करोगे, ठीक है, आपको लगेगा कि नहीं ये सही नहीं है, ये मुझे नहीं करना है, ठीक है, तो वहां पे क्या हो गया, वहां पे वो मोरलिटी हो गई। जैसे और भी एग्जांपल से मैं समझा सकता हूँ, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जैसे कि एक मान लेते हैं हलवाई का परिवार है जिसका पेशा ही है मिठाई बनाना, लेकिन जो है चार पांच जनरेशन के बाद कोई ऐसा बच्चा निकल गया जिसका दिमाग है इंजीनियरिंग वाला, वो उसे इंजीनियर बनना है, तो ऑब्वियस है कि वो उसे हलवाई वाले काम में मन नहीं लगेगा, ठीक है, तो उसने जो उसे उसके दिमाग कहीं और जा रहा है, तो उसे लगेगा कि यार जो मेरा जैसे मारवाड़ियों का जो है मेन पेशा क्या है, बिजनेस, ठीक है, बिजनेस माइंडेड होते हैं वो बिल्कुल, ठीक है, लेकिन कोई ऐसा निकल गया बंदा जिसका ध्यान है कि मुझे गवर्नमेंट जॉब लेना है, तो ऑब्वियस है कि वो उसके अकॉर्डिंग सोचेगा, उसे लगेगा कि यार कौन डेली डेली का टेंशन लो कि कितने का सेल हुआ है, कितने का क्या हुआ है, कैसे आगे बढ़ेगा बिजनेस, उससे अच्छा तो मैं जॉब ले लेता, पढ़ने में मैं ठीक हूँ, ठीक है, तो वो क्या हो गई, उसने जो है कुछ अलग एक्सपेक्ट करा अपने साथ, उसने कुछ अलग एक्सपीरियंस करा, उसने कुछ अपने खुद के सेट ऑफ प्रिंसिपल्स बनाए, तो वहां पे वो क्या कहलाएगा, मोरलिटी कहलाएगा, ठीक है। तो जो बेसिक डिफरेंस है मोरलिटी और एथिक्स में, एथिक्स जो है वो एक्सटर्नल होता है, मोरलिटी जो है वो इंटरनल होता है, ठीक है, एथिक्स जो है वो कम्युनिटी के अकॉर्डिंग जो कुछ प्रिंसिपल्स बनाए होते हैं उन्हें फॉलो करना होता है, मोरलिटी में ऐसा कुछ नहीं है, मोरलिटी में आप अपने एक्सपीरियंसेस से आप जो चीजें ऑब्जर्व करते हो, जो चीजें समझते हो अपने रीजनिंग के थ्रू, अपने एनालिटिकल पावर के थ्रू, ठीक है, तो उसके बिहाफ पे आप कुछ अपने खुद के सेट ऑफ प्रिंसिपल्स बनाते हो जिसे आप फॉलो करते हो, उसे मोरलिटी कहा जाता है, ठीक है, आई होप क्लियर हो गया। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जो मैंने एग्जाम्पल लिया है, इंडियन कल्चर के अनुसार आप सेक्स के बारे में जो है ओपनली पब्लिकली बात नहीं कर सकते, ठीक है, एथिकल है, आपको लग भी रहा है सही है, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है यहाँ पे क्वेश्चन मार्क करेंगे कि क्यों ये, क्योंकि ऑब्वियस है कि लाइफ का पार्ट है, जीवन का पार्ट है, तो इसके बारे में खुल के बात करने से क्या होगा कि लोग जागरूक होंगे, लोग सही चीजों को समझेंगे, ठीक है, तो इसके बारे में खुल के बात करना चाहिए, इसके ऊपर में क्लासेस होनी चाहिए सही तरीके से, तब जाकर के जो है चीजें क्लियर होंगी, तब जाके जो आगे के जनरेशन होंगे वो गलती करने से बचेंगे, वो भी अपनी जगह पे सही है, वो भी अपनी जगह पे सही है, ठीक है। तो ये क्या है, यहाँ पे जैसे किसी कोई एक इंडिविजुअल है, उसे लगा कि जो है मुझे ओपनली बात करना चाहिए लोगों से, क्यों, क्योंकि मुझे उसके बारे में जानना है, मुझे उसके बारे में बताना है, ताकि जो आगे आने वाली जनरेशन हो उन्हें वो प्रॉब्लम्स फेस ना करनी पड़े जो हमने फेस करा है, तो वो बंदा अपनी जगह पे सही है, तो वो क्या कहलाएगा वहां पे, मोरलिटी। लेकिन वहीं अगर कोई अपना कल्चर पकड़ के बैठा हुआ है कि इंडियन कल्चर के अकॉर्डिंग हम ओपनली बात नहीं कर सकते, ये शेमफुल होता है, ठीक है, तो वो चीज क्या हो गया वहां पे, एथिकल हो गया, क्लियर हो गया। यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो चीजें मैंने बताई है वही सब है, पढ़ लेना एक बार। नेक्स्ट आते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ एथिक्स इन ह्यूमन लाइफ, ह्यूमन लाइफ में एथिक्स का क्या इंपॉर्टेंट है, हालांकि इसके ऊपर मैंने बात कर लिया है, मैं शॉर्ट में आपको यहाँ पे क्लियर कर दे रहा हूँ कि एथिक्स का इंपॉर्टेंस क्या है ह्यूमन लाइफ में। तो देखो, ह्यूमन लाइफ में जब भी हम लोग एथिक्स को देखते हैं तो हमें सबसे पहले उस ह्यूमन लाइफ की वैल्यू समझ में आती है कि वो ह्यूमन लाइफ वो कितना इंपॉर्टेंट है। आप ऐसे समझो
कि दुनिया में जितने भी जीव हैं सारे तो ऑर्गेनिज्म है, सबको आप एनिमल और या प्लांट में ही कैटेगराइज कर सकते हो, ह्यूमन भी एक एनिमल ही है, ठीक है, ह्यूमन एनिमल ही है। तो हमें बाकी एनिमल से जो अलग बना रहा है वो क्या बना रहा है, हमारा एथिक्स ही बना रहा है हमें। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर एक समझ की शक्ति दे रहा है, हमारे अंदर क्या सही है क्या गलत है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, कहाँ पे नैतिकता है कहाँ पे अनैतिकता है, इन सब चीजों को सोचने की जो क्षमता दे रहा है वो कौन दे रहा है, एथिक्स ही दे रहा है। ठीक है, तो एथिक्स का क्या रूल है आपको क्लियर हो गया। ठीक है, तो एथिक्स इज द बेसिक नेसेसिटी टू लीड एन ऑर्गेनाइज एंड सिविलाइज्ड लाइफ एज एथिक्स कैन हेल्प अस चूज अ कोर्स ऑफ एक्शन इन ह्यूमन इंटरेक्शन। ठीक है, इन द एब्सेंस ऑफ एन एथिकल बैकग्राउंड ऑफ आवर एक्शन देयर वुड बी नो डिफरेंस बिटवीन द एक्शन ऑफ एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग। जो मैंने आपको बताया वही चीज यहाँ पे मेंशन करा गया है। ठीक है, अगर आप एथिकली अगर कोई काम करते हो तो आप सिविलाइज्ड कहलाते हो, आप एक सिविल, आप एक जो है सिविलाइज्ड सोसाइटी में आप जीते हो, सिविलाइज्ड लाइफ स्टाइल आपका होता है। ठीक है, वहीं अगर आप अनएथिकल हो जाओगे तो आप में और बाकी जानवरों में कोई अंतर नहीं रहेगा। ठीक है, तो एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस का जो मेन एम है, मेन उद्देश्य है वो क्या है कि एक एथिकल थिंकिंग को ह्यूमंस के अंदर डेवलप करना, एम्बेड करना, ताकि जो है उनका जो थिंकिंग है वो नैतिकता से भरा हुआ होना चाहिए, जो उन्हें बाकी जानवरों से क्या बनाए, अलग बनाए। ठीक है, उसके अंदर सेंस ऑफ ह्यूमर आना चाहिए, उसके अंदर एक सिविलाइज्ड कल्चर वाली भावना आनी चाहिए। ठीक है, ये एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस का क्या हो गया, एम हो गया, उद्देश्य हो गया। ठीक है, अब आते हैं हम लोग अपने फर्स्ट टॉपिक पे जो कि है मेरा एसेंस डिटरमिनेंट्स एंड कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ एथिक्स इन ह्यूमन एक्शन। तो सबसे पहले आते हैं हम लोग एसेंस ऑफ एथिक्स पे। एसेंस को हिंदी में कहते हैं सार, सार या सारांश किसी चीज का। तो अभी हमने जो देखा, जो भी पढ़ा एथिक्स के बारे में, तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम इसका सार समझें तो बेसिकली जो एसेंस है एथिक्स का, जो सार है एथिक्स का, वो ये है कि ये सेट ऑफ प्रिंसिपल्स हैं, कुछ सेट ऑफ वैल्यूज हैं जो हमें हमेशा गाइड करते हैं ये डिटरमाइन करने में, ये मतलब डिसीजन लेने में कि क्या चीज हमारे लिए मोरली सही है और क्या चीज हमारे लिए मोरली गलत है। ठीक है, तो ह्यूमन वैल्यूज को ये बढ़ाता है एथिक्स। ठीक है, ये मेन जो है एसेंस हो गया एथिक्स का। तो अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द मेन एसेंस या व्हाट इज द एसेंस ऑफ एथिक्स, तो ये क्या है, ये ह्यूमन की वैल्यूज बढ़ाता है और जो इसके अंदर सेट ऑफ प्रिंसिपल्स हैं, जो सेट ऑफ वैल्यूज हैं, अगर कोई पर्सन उसे फॉलो करता है तो वो इथिकली जो है वो कैपेबल होगा डिसीजन लेने में कि क्या उसके लिए सही होगा और क्या उसके लिए गलत होगा। ठीक है, मतलब वो इजिली चॉइसेस कर सकता है कि जो है क्या सही है और क्या गलत है। ठीक है, फेयरनेस, इंटीग्रिटी, ये सारी चीजें इसके अंदर आ गई। क्लियर हो गया, यहाँ पे एसेंस में ज्यादा कुछ है नहीं। ठीक है, अब आते हैं हम लोग डिटरमिनेंट्स पे। डिटरमिनेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है और डिटरमिनेंट से क्वेश्चंस आएंगे पेपर में। देखो, डिटरमिनेंट्स होता क्या है, जैसे कि नाम में आपको समझ में आएगा, डिटरमिनेंट्स में डिटरमाइन से बना हुआ है कि मतलब ऐसे फैक्टर्स जो डिटरमाइन करते हैं, क्या डिटरमाइन करते हैं, इथिकल बिहेवियर को या एथिक्स को। ठीक है, मतलब ऐसे फैक्टर जो हमें बताता है कि कैसा एथिक्स होना चाहिए, एथिक्स किस तरीके का होना चाहिए, या एथिकल बिलीफ है या जो वैल्यूज है या जो बिहेवियर है वो किस टाइप का है। ठीक है, ये डिटरमाइन करने वाले जो फैक्टर्स होते हैं उसे डिटरमिनेंट्स कहते हैं। क्लियर हो गया यहां तक? तो बेसिकली जो डिटरमिनेंट्स है वो दो तरह का होता है, एक होता है मेरा एक्सटर्नल, दूसरा होता है इंटरनल। आई होप सभी को समझ में आ रहा होगा, सभी को दिख रहा होगा, मैं थोड़ा सा और जूम कर दे रहा हूं। ठीक है, दो तरह के डिटरमिनेंट्स होते हैं, एक को कहते हैं हम लोग एक्सटर्नल, दूसरा होता है मेरा इंटरनल। एक्सटर्नल डिटरमिनेंट्स के जो एग्जांपल्स हैं वो क्या क्या हैं, फैमिली, परिवार से हम लोग क्या करते हैं एथिक्स को सीखते हैं, सोसाइटी, नेशन, ऑर्गेनाइजेशन, लीगल सिस्टम। वहीं अगर मैं इंटरनल डिटरमिनेंट्स की बात करूं तो कॉन्साइन, हमारी जो तार्किक शक्ति है, जो समझ है। ठीक है, अपब्रिंगिंग, मोरल्स और फिर एजुकेशन। तो ये सब जो है वो क्या हो गया, इंटरनल। ठीक है, तो इंटरनल डिटरमिनेंट समझ में आ गया आपको, एक्सटर्नल डिटरमिनेंट समझ में आ गया। अब आते हैं हम लोग डिटरमिनेंट्स ऑफ एथिकल बिहेवियर इन बिजनेस। अगर आप किसी बिजनेस के अंदर हो या किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हो तो वहां एथिकल बिहेवियर का कितना इंपॉर्टेंट है।
बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर एथिक्स नहीं है तो आपको वहां पे काम करने में मन नहीं लगेगा। अगर आप काम नहीं करोगे सही से तो ऑर्गेनाइजेशन या बिजनेस ठप पड़ जाएगा। तो यहाँ पे जो डिटरमिनेंट्स है, जो फैक्टर्स हैं जिसके जो डिटरमाइन करते हैं एथिकल बिहेवियर को, वो कौन कौन से हैं? तो सबसे पहला है पर्सनल एथिक्स। ठीक है, पर्सनल एथिक्स के अंदर क्या आता है? जो एम्प्लॉई है, ठीक है, वो ऑनेस्ट है या नहीं, उनके ऊपर में हम ट्रस्ट कर सकते हैं या नहीं। ठीक है, तो वो क्या हो गया? वो पर्सनल एथिक्स होगा, क्योंकि वो बंदा ऑनेस्ट नहीं है तो आप उसे काम ही नहीं सौंपोगे। ठीक है, ट्रस्टेड ही नहीं है तो आप उसे कुछ देने में डरोगे कि भाई क्या सा टारगेट हम दें इसे। दूसरा, जो मैनेजमेंट पार्ट है, ठीक है, वो एथिकल है या नहीं, वो इक्वालिटी के साथ सभी को ट्रीट कर रहा है या नहीं कर रहा है, उसका जो है टोन कैसा है, इंसल्टिंग टोन है कि या जो है वो मोटिवेट करता रहता है बीच बीच में, जो लीडर है वहां पे, जो सीईओ है, वो किस उनकी जो है जो थिंकिंग है, उनका जो एथिक्स है वो किस तरीके का है, मतलब पर्सनल एथिक्स कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको यहाँ से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, दूसरा जो है वो है ऑर्गेनाइजेशन कल्चर। ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर कैसा है, क्या सभी के साथ इक्वली ट्रीट हो रहा है या नहीं, सभी का प्रैक्टिसेस एंड जो बिलीफ सिस्टम है वो एक जैसा है या नहीं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा तो नहीं कि उसके अंदर, मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन में गए, आप एक फैक्ट्री के अंदर गए तो उसमें भी बंटवारा चल रहा है, कुछ वर्कर्स एक साथ काम कर रहे हैं, कुछ वर्कर्स एक साथ काम कर रहे हैं। अब इसमें से कुछ ऐसा काम आ गया अचानक से कि दोनों ग्रुप से लोगों को लेना पड़ा, ठीक है, तो पता चल रहा है कि वो उसके साथ काम नहीं करेगा, वो उसके साथ काम नहीं करेगा, तो इस तरह से फिर काम ही नहीं होगा। तो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या वो पीसफुल ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, क्या वो हाइजेनिक एनवायरमेंट में काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो जो एथिक्स है ऑर्गेनाइजेशन का, या जो ऑर्गेनाइजेशन कल्चर्स है उसका एथिक्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा, अनरियलिस्टिक परफॉर्मेंस गोल। अब क्या होता है कि बहुत बार आपको ऐसे टारगेट दे दिए जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन में जो अनअचीवेबल होता है, लेकिन चूंकि आपके दिमाग में यह बैठा हुआ है कि अगर हम लोगों ने टाइम पे सबमिट नहीं करा तो हमारी सैलरी कट हो जाएगी, तो आप वहां पे मिसलीड करना शुरू कर देते हो डाटा को। ठीक है, कुछ फैक्ट्स होते हैं जिसे आप गलत बता करके बस बता दोगे कि भाई हाँ मैंने काम कर लिया। ठीक है, हो सकता है कि उसकी क्वालिटी के साथ आप कॉम्प्रोमाइज कर लो, ठीक है, या फिर उसकी क्वांटिटी में आप कॉम्प्रोमाइज कर दो, या फिर जो है डाटा मिस रिप्रेजेंट कर दो, तो उस सिचुएशन में क्या हो जाएगा, वो एक अनएथिकल डील हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे क्या है कि अब चूंकि अनरियलिस्टिक परफॉर्मेंस गोल हमें दिया गया है जो कि पॉसिबल नहीं है, और उस समय भी एक हमें चैलेंजेस ये भी दिया गया है कि अगर हमने टाइमली सबमिट नहीं करा तो फिर हमारी सैलरी क्या हो जाएगी, कट हो जाएगी, तो ये थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ पे अनरियलिस्टिक परफॉर्मेंस गोल। इसके अलावा जो नेक्स्ट है लीडरशिप, लीडरशिप में जो लीडर है उसका माइंडसेट किस तरीके का है, वो किस तरीके का, वो कितना एथिकल है, वो सभी को साथ में लेकर के चल रहा है, यानी उसका इंटीमेसी वाला रिलेशनशिप है यानी एम्प्लॉय के साथ। ठीक है, ये सब बहुत सारे मैटर्स करते हैं। मैनेजमेंट वाला अगर आपने टॉपिक अच्छे से कवर करा होगा तो लीडरशिप मैंने वहां पे बहुत अच्छे से आपको समझाया हुआ है। ठीक है, तो वहां पे मैंने आपको यहाँ एथिकल कौन कौन से कैरेक्टर्स होते हैं लीडरशिप के अंदर, ठीक है, ये भी बताया हुआ है। ठीक है, अगर जिन्होंने अच्छे से वीडियोस देखी होगी तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। मैंने एथिकल वर्ड मेंशन नहीं करा है, लेकिन अभी तक मैंने जितना आपको यहाँ पे एथिक्स में बता दिया है, पढ़ा दिया है, उसके अकॉर्डिंग आप पकड़ लोगे कि लीडरशिप में मैंने कौन सी लाइन बताई है जो एक एथिकल कैरेक्टर रिप्रेजेंट करेगा एक लीडर का। ठीक है, वो आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। ठीक है, देखता हूं मैं कितना कौन जो है अच्छे से समझ के पढ़ रहा है यहाँ पे। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। ठीक है, ये बताने की जरूरत नहीं, आप सबको पता है कि डिसीजन जो है वो बहुत ही एथिकल होनी चाहिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। अगर जैसे फॉर एग्जांपल छुट्टी चाहिए वर्कर्स को एक दिन की, तो आप उस समय बोलो कि नहीं भैया हम तो लगातार काम करवाएंगे और सैलरी भी हम आपको उतनी ही देंगे जितनी आप, मतलब जितनी आपको दे रहे हैं उतनी ही देंगे और ओवर टाइम भी करवाएंगे, तो उस समय जो है ये डिसीजन जो है वो एक अनएथिकल डिसीजन होगा किसी ऑर्गेनाइजेशन में। तो डिसीजन मेकिंग जो प्रोसेस है वो बहुत ही एथिकल होना चाहिए। तो ये कुछ जो है डिटरमिनेंट्स हैं जिसके ऊपर में एथिकल, मतलब जो एथिकल बिहेवियर किसी बिजनेस का डिटरमाइन करता है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट आते हैं हम लोग कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ एथिक्स। देखो कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ एथिक्स का मतलब हो गया परिणाम क्या है एथिक्स का। तो परिणाम के अंदर क्या आएगा, रिजल्ट हो सकता है, ठीक है, किसी तरीके का आउटकम होगा, ठीक है, किसी तरह का इफेक्ट होगा किसी एक्शन का, मतलब आपने कुछ करा और उसका रिजल्ट में हमें कुछ मिला, ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ एथिक्स हो गए। अब कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ एथिक्स जो है बेसिकली दो टाइप का होता है, एक को कहते हैं हम लोग पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेस और दूसरा होता है मेरा नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस। पॉजिटिव जो आपको हमेशा एक पॉजिटिव रिजल्ट दे, जैसे कि आपको ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई टास्क दिया गया था, आपने उसे टाइमली सबमिट कर दिया विथ योर बेस्ट कंटेंट एवर, तो उस सिचुएशन में क्या होगा, आपको एप्रिसिएशन
मिलेगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, एक पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेस हो गया। किसी ऑर्गेनाइजेशन की बात करिए मैंने, कहीं और घुसते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पॉकेट में 50 रुपए हैं, ठीक है, आप जा रहे हो, आपको भूख लगी है बहुत जोरों की, आप जैसे ही गए किसी होटल में घुसने ही वाले हो कि आपको जो है एक बूढ़ा आदमी मिल गया जो बहुत ही गरीब है, लाचार है बंदा, और कह रहा है कि भैया मुझे भूख लगी है, कुछ पैसे दे दो, ठीक है। अब जो है यहाँ पे आपको डिसीजन लेना पड़ेगा कि भाई है तो 50 रुपए ही, एक ही प्लेट खाना आने वाला है इससे, ठीक है। आप गए, आपने बाबा को बोला ठीक है बाबा आप बैठो मैं आता हूँ, ठीक है। उस आपने बहुत अच्छे से बहुत प्यार से बाबा को बैठाया, ठीक है। आप गए अंदर, एक प्लेट खाना लिया, बहुत ही प्यार से वो थाली लेकर के उनके सामने रख दिया कि बाबा अच्छे से खाओ, ठीक है। तो ये क्या हो गया, यहाँ पे जो है एक रिजल्ट मिलेगा आपको, अंदर से इंटरनल खुशी मिलेगी, यहां से लगेगा कि मैंने कुछ अच्छा करा अपने लाइफ में, ठीक है। तो ये क्या हो गया, एक पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेस हो गया। उसी तरीके से नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस भी होते हैं कि अगर आपको एक टारगेट दिया गया है कि आपको इतने समय में जो है चीजें जो है करनी है, और अगर आप नहीं कर पाते हो उस तरह से, या फिर अगर आपने कहीं पे कॉम्प्रोमाइज करा, टारगेट दिया गया है लेकिन आपने वो टारगेट अचीव नहीं करा, या फिर उस टारगेट को अचीव करने के लिए आपने जो है कुछ चीजें इधर उधर कर दी, ठीक है, कोई डाटा इधर उधर कर दिया, तो उस सिचुएशन में जो है जैसे ही आपका वो फॉल्ट जो है पकड़ाएगा आपको, या तो डाटा जाएगा, या फिर सबके सामने बेइज्जत किया जाएगा, या फिर आपको जो है आपके पोस्ट से डिमोट कर दिया जाएगा। तो इस तरह से बहुत सारी चीजें हो सकती है। तो ये क्या हो गया, ये एक नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस हो गया, क्लियर हो गया यहाँ पे। तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस, नकारात्मक प्रभाव या नकारात्मक जो है परिणाम जो है आपको यही समझ में आ गया, पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेस आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट मेरा जो कॉन्सिक्वेंसेस है एथिक्स का, वो एक्चुअली इवेल्युएट किया जाता है एक थ्योरी के द्वारा, दैट थ्योरी इज नोन एज यूटिलिटेरियनिज्म थ्योरी। यूटिलिटेरियनिज्म थ्योरी ये कहता है कि अगर आपको कॉन्सिक्वेंसेस इवेल्युएट करना है किसी भी एथिक्स का, तो आप ये देख सकते हो कि जो आपका जो एक्शन है, एथिकल जो एक्शन है, उसका रिजल्ट जो है वो कितना हैप्पीनेस वाला है या फिर कितना सफरिंग वाला है। मतलब क्या हुआ, मतलब है कि जब आप जो काम कर रहे हो, जो एक्शन आप कर रहे हो, उसके द्वारा एट द एंड ऑफ द एक्शन आपको खुशी मिल रही है, तो वो कितनी ज्यादा मिल रही है, या फिर अगर आपके साथ कुछ नुकसान हो रहा है, ठीक है, अगर आप कुछ चीजें सफर कर रहे हो तो उस समय आप कितना सफर कर रहे हो, इसके बिहाफ पे जो एथिकल कॉन्सिक्वेंसेस है वो डिपेंड करता है कि मतलब वो कितना पॉजिटिव होगा या फिर कितना नेगेटिव होगा। आपसे यहाँ पे क्वेश्चन जो है इस तरीके से बन सकता है कि जो हम लोग एथिक्स की कॉन्सिक्वेंसेस है, अगर हमें इवॉल्व करना है उसे, सॉरी इवेल्युएट करना है उसे, तो हम लोग कौन सी थ्योरी को यूज करेंगे यहाँ पे, तो आंसर है यूटिलिटेरियनिज्म थ्योरी। तो यूटिलिटेरियनिज्म का जो प्रिंसिपल है वो किस बेसिस पे है, इसका मतलब मेन बेसिस क्या है कि जो ओवरऑल आपको हैप्पीनेस या प्लेजर मिल रही है वो कितनी मिल रही है। ये हमेशा यूटिलिटेरियनिज्म जो थ्योरी है वो हमेशा जो है बल देता है, हमेशा जो है ये देखता है कि जो ओवरऑल हैप्पीनेस या यूटिलिटी जो है वो कितनी ज्यादा मैक्सिमाइज हो, मतलब ज्यादा से ज्यादा वो मिले, ठीक है। यूटिलिटेरियनिज्म जो थ्योरी है कॉन्सिक्वेंसेस के क्वांटिटेटिव असेसमेंट के ऊपर में डिपेंड करता है। अब ये क्या होता है, ये होता है कि जो रिजल्ट है, जो परिणाम हमें मिला है, ठीक है, उसकी क्वांटिटी कितनी है, मतलब अगर हमें हैप्पीनेस मिला है तो वो कितना मिला है, ठीक है। अगर हमारे साथ कुछ सफरिंग वाला केस है, हमें किसी चीज का बुरा लगा या फिर कुछ चीजें हार्म हुई हैं, तो वो कितनी ज्यादा हुई है, इस बेसिस पे हम लोग अपना जो कॉन्सिक्वेंसेस है एथिकल वो हम लोग डिटरमाइन करते हैं, ठीक है। ये कौन कहता है, ये यूटिलिटेरियनिज्म प्रिंसिपल कहता है, ठीक है। और यहाँ पे जो है आपका पहला जो टॉपिक है वो कवर हो जाता है। याद रखना एग्जैक्टली यही क्वेश्चन जो मैंने पढ़ाया है वो मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है, लेकिन ये जो चीजें मैंने आपको बताई है, ये जो कॉन्सेप्ट बताया है, इस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है। एथिक्स के अंदर किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, अगर आपको और समझना है तो 200 क्वेश्चंस का मैंने पूरा एक सेट एज अ टेस्ट फॉर्मेट में निकाला हुआ है, प्राइस इसकी 100 है। और बहुत सारे बच्चे कह रहे थे कि सर 200 क्वेश्चन में कुछ नहीं होने वाला, तो हकीकत यही है कि 200 क्वेश्चन में कुछ नहीं होने वाला, लेकिन क्योंकि इसके बाद एक और वीडियो आएगी, प्रिंसिपल वाला जो मैनेजमेंट वाला जो पार्ट है, लास्ट पार्ट है वो आएगा, और उसके बाद जो है हम लोग इसके अंदर 500 क्वेश्चंस का एज अ पीडीएफ मैं आपको दूंगा, क्योंकि टेस्ट में बनाने में समय ज्यादा लग जाएगा और समय कम है, तो इसीलिए मैं 500 क्वेश्चंस का आपको पीडीएफ इसी के अंदर इंक्लूड करूंगा। मतलब ये जो 200 है, ये 200 क्वेश्चंस जो है आपको टेस्ट के फॉर्मेट में मिलेगा,
लेकिन एज ए पीडीएफ आपको 500 क्वेश्चंस मिलेगा और इसी जो टेस्ट है इथिक्स का जो टेस्ट है उसी के अंदर मिलेगा। और कोशिश ये होगी कि अगर आपने ये सारे क्वेश्चंस अच्छे से कर लिए तो आपको जो ओवरऑल जो कॉन्सेप्ट है इथिक्स का जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है वो अच्छे से क्लियर हो जाए ताकि आप क्वेश्चंस आराम से अटेम्प्ट करके आओ। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम लोग डायमेंशंस ऑफ एथिक्स पे। बेसिकली देखो डायमेंशन ऑफ एथिक्स क्या होता है, हमने अभी देखा कि एथिक्स जो है वो क्या है, प्रिंसिपल्स हैं और वैल्यूज हैं, अलग अलग कल्चर के अकॉर्डिंग, अलग अलग सिविलाइजेशन के अकॉर्डिंग, अलग अलग कम्युनिटीज के अकॉर्डिंग। तो अभी जरूरी थोड़ी ना कि एक कम्युनिटीज के अकॉर्डिंग जो सेट ऑफ रूल्स हैं दूसरी कम्युनिटी के अकॉर्डिंग भी वही सेट ऑफ रूल्स होंगे, ये जरूरी नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, एथिक्स का एक एंगल कुछ और होगा, दूसरा एंगल कुछ और हो सकता है ना। जैसे कि एक सिक्के के दो पहलू हैं, हेड और टेल, ठीक है, किसी को हेड पसंद होगा किसी को टेल पसंद होगा। उसी तरह से एथिक्स का जो पर्सपेक्टिव है, जो एस्पेक्ट है, जो एंगल है अलग अलग तरह से देखने का, समझने का चीजों को, ठीक है, वो अलग अलग हो सकता है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, डायमेंशंस कहते हैं एथिक्स की। ठीक है, तो बेसिकली एथिक्स के तीन इंपॉर्टेंट डायमेंशन होते हैं, एक होता है मेरा नॉर्म्स, दूसरा है मेरा गुड्स और तीसरा है मेरा वर्च्यू। बेसिकली नॉर्म्स क्या है, जहां पे रूल्स एंड रेगुलेशंस आते हैं, जहां पे किसी कम्युनिटी, किसी कल्चर, किसी सिविलाइजेशन या फिर कोई किसी का, आप कोई क्लब के आप मेंबर हो तो उस क्लब के अंदर जो नॉर्म्स लिखे हुए हैं, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है, वो वहां की क्या हो गई, नॉर्मल एथिक्स हो गई। ठीक है, आपको वो फॉलो करने पड़ेंगे। नाउ नेक्स्ट है मेरा गुड्स। बेसिकली गुड्स क्या है, गुड्स मतलब अच्छाई हो गया, जैसे आप एक अच्छे इंसान हो, ठीक है, तो ये क्या है, ये एक ऐसा एथिकल कैरेक्टर है जो आपके अंदर है। तो गुड्स जो है बेसिकली इंटरनल होता है, ठीक है, इंटरनल हो गया। अब जैसे आप आपके अंदर दया है, आप किसी को देखते हो तो आपके अंदर दया आ जाती है, कोई गरीब होता है जो भूखा होता है तो आप अपने बारे में ना सोच करके पहले उसे खाना खिलाने के बारे में सोचते हो, तो ये सब गुड्स के अंदर आ गई। तीसरा है मेरा वर्च्यू। वर्च्यू मतलब जो यूनिवर्सल एक फैक्ट है, यूनिवर्सल एक ट्रूथ है, जो अच्छाई होनी चाहिए, जैसे फॉर एग्जांपल गुडनेस, ठीक है, गुडनेस बोलना सही नहीं होगा यहाँ पे, गुडनेस गुड्स में घुस जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल लेते हैं हम लोग ऑनेस्टी, ठीक है, ट्रूथ, ऑनेस्टी ईमानदारी, ट्रूथ सच्चाई, ठीक है, आप सच बोल रहे हो। जैसे आप, जैसे आपका, आपकी जो मेट होगी, सोलमेट होगी, या आपकी गर्लफ्रेंड हो सकती है, आपकी वाइफ हो सकती है, आप हमेशा उससे जो है जो सच्चाई जो है वो बताते हो, तो ये क्या है, ये आपकी वर्च्यू हो गई। ठीक है, यहाँ पे ये आप नहीं बोल रहे हो सिर्फ आपके अकॉर्डिंग वो सही नहीं है, वो यूनिवर्सली जो है वो सही है कि आपको अपनी वाइफ से कोई बात नहीं छुपानी चाहिए, तो ये क्या हो गया, ये एक वर्च्यू हो गया। ठीक है, उसी तरह से ऑनेस्टी, आप जिस फील्ड में हो, जिस जगह पे काम कर रहे हो, वहां पे आपका ऑनेस्ट होना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये ऐसा नहीं कि सिर्फ आपके उसी ऑर्गेनाइजेशन में ये एप्लीकेबल होगा, ये हर ऑर्गेनाइजेशन में एप्लीकेबल होगा। ठीक है, क्लियर हो गया। तो तीन इंपॉर्टेंट एथिकल डायमेंशंस हैं, एक नॉर्म्स, नॉर्म्स मतलब जहां रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, तो ये कम्युनिटी के अकॉर्डिंग हो सकते हैं, कल्चर के अकॉर्डिंग हो सकते हैं, सिविलाइजेशन के अकॉर्डिंग हो सकते हैं। दूसरा जो हमने बात करा, ठीक है, देखो यहाँ पे, हाँ अच्छा, ये जो नॉर्म्स हो सकता है वो लीगल हो सकता है, कल्चरल हो सकता है, रिलीजियस हो सकता है, सोशल भी हो सकता है। ठीक है, उसी तरीके से हमने गुड्स पे बात करी, गुड्स क्या हो सकता है, गुड्स मतलब अच्छा, ये इंटरनल होता है, मतलब व्यक्तिगत होता है, खुद का हो गया पर्सनल। इसके अंदर बहुत सारी चीजें आएंगी, जैसे वेल बीइंग, इंसान का अच्छा होना, देखिए भाई मैं अच्छा इंसान हूं, ठीक है, हैप्पीनेस, खुश रहना, ठीक है, जस्टिस। अब यहाँ वेल बीइंग से एक जो है एक वाक्य याद आ गया, मतलब एक इंसिडेंट याद आ गया, मेरे एक फ्रेंड था दिल्ली में, ठीक है, वो उसी कम से कम 8-10 गर्लफ्रेंड थी, वो बियर भी पीता था, वो हर तरह का नशा करता था, ठीक है। तो मैंने जब उससे कहा कि यार जब तेरी शादी होगी तो अपने वाइफ से क्या कहेगा कि जो है मैं कैसा इंसान हूँ, तो उसने बोला कि जो है कि मैं उससे साफ साफ कहूंगा, फर्स्ट नाइट को ही मैं कह दूंगा कि देखो मैंने सारे काम करे हुए हैं, मैंने लड़कीबाजी करी हुई है, मैंने दारू पिया हुआ है, मैंने जितने बुरे काम होते हैं मैंने सारे करे हुए हैं, लेकिन मैं अच्छा इंसान हूँ। तो आप समझ लो कि जो है ये एक तरह की मेंटेलिटी, अच्छा इंसान हूं मैं लेकिन मैंने सारे गलत काम किए हुए हैं। तो वेल बीइंग मतलब आप अच्छे इंसान हो, ठीक है, हैप्पीनेस मतलब खुशी जो है वो क्या हो गई, वो आपकी आपकी पर्सनल हो सकती है ना, कि आपको किस काम में मजा आ रहा है, ठीक है, वो जरूरी नहीं है कि वो हमेशा जो सबको पसंद आए वही आपको भी पसंद आए, ये जरूरी नहीं है। ठीक है, हो सकता है कि आपको जो है लोगों की हेल्प करने में ज्यादा मजा आता हो, ठीक है, उसमें आप खुश फील करते हो। जस्टिस जो है वो क्या है, ये एक इंटरनल है, ठीक है, ये हमेशा जो है जस्टिस का जो की जो भावना है वो इंटरनल है, जस्टिस जो है आपका वर्च्यू के अकॉर्डिंग यूनिवर्सल भी आ सकता है।
ठीक है, लेकिन सबका पर्सपेक्टिव अलग अलग है, अलग अलग तरीके से सबको देखा जाता है। नॉलेज, ठीक है, ये क्या है, ये एक अच्छाई है, ये गुड्स है, गुड्स का पार्ट हो गया। उसी तरीके से जो तीसरा है वर्च्यू, वर्च्यू क्या होता है, वर्च्यू जो यूनिवर्सल एथिक्स के अंदर आता है, यूनिवर्सल एथिक्स के अंदर जैसे ऑनेस्टी हो गई, करेज है, कंपैशन हो गया, लव हो गया, इंटीग्रिटी है, तो ये सब क्या हो गई, ये ऐसी एथिक्स हो गई जो वर्च्यू के अंदर आती है, जो यूनिवर्सल होती है। ठीक है, सो नेक्स्ट हम लोग आते हैं कुछ थ्योरीज जो है बेस्ड है इन तीन डायमेंशन के अकॉर्डिंग, नॉर्म्स जिस थ्योरी को फॉलो करती है, नॉर्म्स के अकॉर्डिंग जो थ्योरी निकल के आता है उसे रैशनलिज्म थ्योरी कहते हैं, वहीं गुड्स जो है वो हेडोनिज्म थ्योरी पे बेस्ड होता है, और वर्च्यू जो है वो स्टोइसिज्म थ्योरी को फॉलो करती है। ठीक है, तो वन बाय वन हम लोग समझते हैं। सबसे पहले हम लोग आते हैं गुड्स, गुड्स जो है वो हेडोनिज्म थ्योरी पर बेस्ड है, और हेडोनिज्म थ्योरी का जो प्रेजेंट का जो करंट का फॉर्म है, ठीक है, उसे हम लोग यूटिलिटेरियनिज्म थ्योरी कहते हैं। ठीक है, हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले ही देख लिया था कि यूटिलिटेरियनिज्म थ्योरी होता क्या है। तो बेसिकली जो हेडोनिज्म थ्योरी है वो क्या है, यूटिलिटेरियन मतलब इसका जो मॉडर्न फॉर्म है वो है यूटिलिटेरियनिज्म थ्योरी, जो गुड्स को फॉलो करता है, या फिर गुड्स जिस थ्योरी के ऊपर काम करता है या जिस थ्योरी के अकॉर्डिंग चलता है वो है मेरा हेडोनिज्म थ्योरी। सो हेडोनिज्म थ्योरी क्या होता है, हेडोनिज्म थ्योरी ये कहता है कि जो जीवन है, इस जीवन में अगर हमें कुछ चाहिए तो वो क्या चाहिए, हमें हैप्पीनेस चाहिए, हमें खुशी चाहिए, हमें प्लेजर चाहिए। ठीक है, तो हाईएस्ट प्लेजर ऑक्यूपाई करना, हाईएस्ट प्लेजर प्रोसेस करना या खुश रहना, यही जीवन का क्या है, मूलभूत उद्देश्य है। ठीक है, मतलब हम लोग जीवन जो जी रहे हैं उसका जो मेन पर्सपेक्टिव है वो क्या है, खुश रहना। ठीक है, हमें खुश रहना है हमेशा। ठीक है, तो ये हेडोनिज्म थ्योरी कहता है, हेडोनिज्म थ्योरी सेज दैट द प्लेजर और हैप्पीनेस इज द हाईएस्ट गुड एंड अल्टीमेट गोल ऑफ लाइफ। इट सजेस्ट दैट इंडिविजुअल शुड सीक टू मैक्सिमाइज प्लेजर, ठीक है, एंड मिनिमाइज पेन। जो प्लेजर है वो अल्टीमेट हो और जो पेन है वो मिनिमम हो, वो मिनिमाइज हो सके। ठीक है, ये है हेडोनिज्म थ्योरी, ये ध्यान रखना है। हेडोनिज्म थ्योरी का जो मॉडर्न फॉर्म है ये है यूटिलिटेरियनिज्म थ्योरी। यूटिलिटेरियनिज्म थ्योरी क्या होता है, हम लोगों ने अभी आपको बता दिया है थोड़ी देर पहले, इसके बारे में मैं दोबारा डिस्कस नहीं करूंगा। आता हूं मैं स्टोइसिज्म थ्योरी पे। सो स्टोइसिज्म थ्योरी हमें क्या कहता है, स्टोइसिज्म थ्योरी हमें कहता है कि भाई कुछ भी हो जाए दिल पे नहीं लेना है किसी भी चीज को। ठीक है, ये कहता है कि चाहे प्लेजर का सिचुएशन हो चाहे पेन का सिचुएशन है, हर सिचुएशन में सामान्य बन के रहो। ठीक है, मतलब किसी भी चीज को दिल पे नहीं लेना है, दिमाग पे नहीं लेना है, उसे अच्छे से प्रोसेस करना है, समझना है कि कहाँ पे क्या गलती हुई थी, उस पर वर्क करना है और वो चीज शॉर्ट आउट हो जाएगा। बहुत सिंपल है, इसे आप ऐसे भी समझो, अगर आप स्टोइसिज्म थ्योरी को फॉलो कर रहे हो तो यहाँ पे क्या होगा, अगर आप बहुत सीरियसली इस एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं और अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो डीमोटिवेट हो जाएंगे, लगेगा मेरे जीवन में सब कुछ खत्म हो गया। ठीक है, कुछ उसे पॉजिटिव लेंगे कि नहीं चलो कोई बात नहीं, एग्जाम पेपर तो कभी ना कभी तो क्लियर हो ही जाएगा, लेकिन मैंने क्या करा, मैंने बहुत हद तक बहुत कुछ कवर कर लिया, बहुत सारे सिलेबस को कवर कर लिया है, जो आगे आने वाले एग्जाम्स में मेरी क्या करेगा, हेल्प करेगा। तो कुछ है जो पॉजिटिव लेंगे, कुछ है जो नेगेटिव लेंगे, कुछ है कि बस बोलेंगे यार पेपर वेपर क्लियर होता नहीं है, छोड़ दो हटाओ, पढ़ना वढ़ना बंद करो, चलो कुछ स्टार्टअप स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ऐसे भी होंगे। तो स्टोइसिज्म हमें ये कहता है कि सिचुएशन चाहे जैसे भी हो, अगर आपके साथ किसी तरह का कुछ भी इवेंट हो रहा है तो आप उसे क्या करो, उसे समझने की कोशिश करो और उसमें सामान्य बनकर रहो। ये बेसिकली वर्च्यू को फॉलो करता है। ठीक है, मतलब स्टोइसिज्म थ्योरी जो है वो वर्च्यू को सपोर्ट करता है, वर्च्यू जो है इसी स्टोइसिज्म थ्योरी के अकॉर्डिंग वर्क करता है, जिसके अंदर क्या क्या है, वाइज, ब्रेव, फेयर, नॉट लेटिंग इमोशन कंट्रोल यू, मतलब इमोशंस जो है आपको कंट्रोल ना करो, इस चीज पे जो है हमेशा इस चीज का ध्यान रखता है। ठीक है, इसके अलावा और कुछ नहीं, इसके अलावा अगर आप पढ़ोगे तो आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। बस दिमाग में यही रखना है कि स्टोइसिज्म थ्योरी ये कहता है कि सिचुएशन चाहे कैसी भी हो, चाहे हैप्पीनेस वाली सिचुएशन हो चाहे वो हार्मनेस वाली सिचुएशन हो, हर सिचुएशन में सामान्य बन के रहना, यही स्टोइसिज्म थ्योरी कहता है। ठीक है, मतलब बस दिमाग में रखना है कि स्टोइसिज्म मतलब दिल पे बना ले कुछ भी। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आते हैं, नेक्स्ट जो है वो है मेरा रैशनलिज्म थ्योरी। अब रैशनलिज्म थ्योरी, जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये किस चीज पे फोकस करेगा, तो रैशनलिज्म थ्योरी जो है वो हमेशा नॉर्म्स पे फोकस करेगा। नॉर्म्स मतलब क्या आपके प्रिंसिपल्स कहते हैं, क्या आपका सिद्धांत कहता है, उस सिद्धांत को एनालाइज कर समझ कर रैशनली जो है चीजों को करना। ठीक है, ये मेरा रैशनलिज्म
थ्योरी कहता है, मतलब यहाँ पे लॉजिक ढूंढा जाता है, यहाँ पे रीजंस ढूंढे जाते हैं और उसके अकॉर्डिंग चीजों को एक्सेप्ट किया जाता है। मतलब ये नहीं कि कह दिया कि हाँ भाई ये होता है तो मान लो, यहाँ पे लॉजिक आती है, ठीक है, क्यों हो रहा है ये, ठीक है, रीजंस होते हैं, क्या कारण है इसके होने का, ठीक है। अगर आपको वो लगता है कि नहीं ये चीजें के पीछे जो लॉजिक दिया गया है वो सही है, वो उस पर दम है, तब जाकर के आप उस चीज को फॉलो करते हो, ठीक है। ये समझ में आ गया रैशनलिज्म थ्योरी क्या होता है। रैशनलिज्म थ्योरी में बस आपको ये ध्यान में रखना कि लॉजिक यहाँ पे काम करती है, रीजंस यहाँ पे काम करते हैं, और ये लाइन इंपॉर्टेंट है, ये लाइन जो है एक बार देख ले, ये लाइन जो है ये कह रहा है कि आई ट्रस्ट माई ब्रेन टू अंडरस्टैंड थिंग्स नॉट जस्ट माई आईज और ईयर्स, ठीक है, मैं अपने ब्रेन जो मुझे जो समझाता है मैं उस पर ट्रस्ट करता हूँ, ना कि अपनी आंखों पर और अपनी कानों पर, ठीक है। तो ये जो है रैशनलिज्म थ्योरी कहता है, बाकी एक बार रीड कर लेना, कुछ है नहीं, कोई दम नहीं है, बहुत आराम से चीजें क्लियर हो जाएंगे। देखो नेक्स्ट है मेरा जो अलग अलग एस्पेक्ट्स हैं, जो हमने तीन डायमेंशंस पढ़ा है, इस तीन डायमेंशंस के अकॉर्डिंग, ठीक है, एथिक्स के अलग अलग एस्पेक्ट्स होते हैं, इन एस्पेक्ट्स में से कुछ एस्पेक्ट्स जो है इंपॉर्टेंट है और जो अलग अलग बुक्स में गिवन है, मैंने सारे बुक्स में जो भी अलग अलग एस्पेक्ट्स थे उसे कंबाइन करके आपको दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो पहला है इसमें नॉर्मेटिव एथिक्स। बेसिकली देखो नॉर्मेटिव एथिक्स में जो नॉर्म्स होंगे, जो नॉर्म्स का मतलब जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे, उस रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग जो हम लोग एथिक्स को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, उस रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग जो हम लोग एथिकल कैरेक्टर डेवलप कर रहे हैं। अब ये रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे कहाँ पे, जिस आप कल्चर को फॉलो कर रहे हो, जिस आप सिविलाइजेशन को फॉलो कर रहे हो, ठीक है, जिस कम्युनिटी को फॉलो कर रहे हो उस कम्युनिटी के अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे, जो लीगल आप प्रोसीजर को फॉलो कर रहे हो, या फिर आप अगर आप नेशंस को फॉलो कर रहे हो, ठीक है, एक जैसे आप इंडिया में हो और इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो कर रहे हो, उसके अकॉर्डिंग काम कर रहे हो, उसकी लीगल अथॉरिटी के अकॉर्डिंग काम कर रहे हो, ठीक है, तो ये जो आप जिस तरीके के जो एथिक्स अपने अंदर डेवलप कर रहे हो उसे हम लोग कहेंगे नॉर्मेटिव एथिक्स, ठीक है। नॉर्मेटिव एथिक्स के बाद जो नेक्स्ट है वो है मेरा मेटा एथिक्स, ठीक है, जो सेकंड है वो क्या है मेरा मेटा एथिक्स। मेटा एथिक्स जो है वो नेचुरल एथिक्स होता है, मतलब ऐसी चीजें जो आप नेचर में देख रहे हो और अगर आपको लगता है कि नहीं ये चीजें सही हैं, ठीक है, तो आप उसे फॉलो करते हो। जैसे फॉर एग्जांपल ह्यूमन क्रुएलिटी, सॉरी एनिमल क्रुएलिटी, ठीक है, ह्यूमन क्रुएलिटी नहीं होगा, एनिमल क्रुएलिटी, ठीक है, आपको लगता है कि एनिमल क्रुएलिटी गलत है, इसके बारे में कहीं कुछ मतलब बहुत ज्यादा डिटेल में मेंशन नहीं है, लेकिन अगर एनिमल्स के साथ किसी तरह से क्रुएलिटी की जा रही है, उसके साथ कुछ दुर्व्यवहार किया जा रहा है, तो आपकी अंतरात्मा कहती है कि नहीं ये चीज गलत है, मुझे इस चीज को रोकना चाहिए, ठीक है, मुझे इसके अगेंस्ट कुछ एक्शन लेना चाहिए। तो यहाँ पे जो एथिकल कैरेक्टर आपके अंदर डेवलप हो रहा है, दैट एथिक्स इज नोन एज मेटा एथिक्स। क्लियर हो गया। नेक्स्ट आते हैं हम लोग अप्लाइड एथिक्स। अप्लाइड एथिक्स में ऐसे एथिक्स होते हैं जो अप्लाई किए जा सकते हैं प्रैक्टिकली, ठीक है, मतलब प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में जिस आप एथिक्स को यूज में ला सकते हो उसे हम लोग अप्लाइड एथिक्स कहते हैं, ठीक है। जैसे इसके अंदर बहुत सारी चीजें आएंगी, जैसे मेडिकल एथिक्स होगा, बिजनेस एथिक्स होगा, एनवायरमेंटल एथिक्स होगा। एनवायरमेंटल एथिक्स जो है वो तो आपको पता ही होगा, जैसे पेड़ ज्यादा नहीं काटने चाहिए क्योंकि ये नुकसान हो रहा है, वो नुकसान हो रहा है, ये क्या है, एक एथिकल कैरेक्टर है जो आपने प्रैक्टिकल चीजों को देखा, जब देखा कि जो है ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है तो फिर आपने नोटिस किया, तो फिर आपने फिर उस एथिक्स को अप्लाई करा, ठीक है, कि हमें जो है ज्यादा से ज्यादा क्या करना पड़ेगा, पॉल्यूशन लेस व्हीकल्स का यूज करना पड़ेगा, इको फ्रेंडली व्हीकल्स का यूज करना पड़ेगा। तो ये क्या है, ये एक ऐसा एथिकल कैरेक्टर है जो आपने प्रैक्टिकल चीजें जब करी तो फिर उसके बाद जो है वो कैरेक्टर डेवलप हुआ, तो उसे हम लोग कहेंगे अप्लाइड एथिक्स, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है मेरा डिस्क्रिप्टिव एथिक्स। डिस्क्रिप्टिव एथिक्स का मतलब ये हो गया कि जो मोरल बिलीफ्स हैं, जो मोरल बिलीफ्स हैं, जो प्रैक्टिसेस हैं या बिहेवियर है, जब आपने इसे डिस्क्राइब करा, जैसे जो वेदास में जिस तरह की चीजें लिखी हुई हैं, जब लोगों ने उसे डिस्क्राइब करा, जब उसे क्या करा, इवेल्युएट करा कि इसके अंदर है क्या, और जब उन्हें लगा कि नहीं ये बड़े काम की चीज है, अगर ये अगर इंसान के अंदर हो तो वो सुप्रीम पोजीशन पे होगा अपने, ठीक है, तो आपने जब उस तरह की चीजें समझ करके जब अपने अंदर जो है एथिकल कैरेक्टर डेवलप करते हो, अब एथिकल बिहेवियर अपने अंदर लेकर के आते हो, तो उसे हम लोग कहते हैं डिस्क्रिप्टिव एथिक्स, ठीक है। नेक्स्ट हो गया मेरा इंडिविजुअल एंड सोशल डायमेंशन। इंडिविजुअल मतलब पर्सनल और सोशल मतलब समाज के अकॉर्डिंग। तो अगर जब आप एक ऐसा एथिकल बिहेवियर अपने अंदर डेवलप करते हो जो आप के अकॉर्डिंग है वो, ठीक है, आप मतलब कोई आपको फोर्स नहीं करेगा कि तुम्हें ये करना पड़ेगा, कहीं लिखा हुआ नहीं है कि ये चीज करना पड़ेगा, जैसे मेडिटेशन, ठीक है, आपको लगता है कि मेरा जिस तरीके का वर्क है यहाँ पे, मेरा दिमाग जितना शांत होगा, जितना काम होगा, उतने अच्छे से मैं सारी चीजें अपनी मैनेज कर सकूंगा, अपनी पढ़ाई मैनेज कर सकूंगा, अपनी फैमिली को मैनेज कर सकूंगा,
अपना फाइनेंशियल जो लेखा जोखा है उसे मैनेज कर पाऊंगा, तो उस सिचुएशन में जो है बंदे ने क्या करा, मेडिटेशन स्टार्ट कर दिया अब करना। तो ये एक इंडिविजुअल एथिक्स है या इंडिविजुअल एथिकल बिहेवियर है जो उसने अपने अंदर डेवलप करना शुरू करा। उसी तरीके से है मेरा सोशल डायमेंशन, मतलब सोसाइटी के अकॉर्डिंग जो एथिक्स जो है डेवलप हो रही है, जो एथिकल कैरेक्टर या एथिकल बिहेवियर डेवलप हो रहा है उसे हम लोग कहेंगे सोशल एथिकल बिहेवियर या सोशल डायमेंशन। ठीक है, इसी तरीके से होता है कल्चरल डायमेंशन, जो बेसिकली किसी कल्चर के अकॉर्डिंग जो है अगर कोई एथिकल कैरेक्टर या बिलीफ डेवलप हो रहा है तो उसे हम लोग कहेंगे कल्चरल डायमेंशन। ठीक है, तो ये अलग अलग तरह के डायमेंशंस थे जो हमने कवर कर रहे हैं, आप वो इंपॉर्टेंट है, डायमेंशन वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, नेक्स्ट मेरा एथिक्स इन प्राइवेट एंड पब्लिक रिलेशनशिप। देखो, दो तरह के एथिकल बिहेवियर हम लोग शो करते हैं। एक होता है जो हम लोग पब्लिक के सामने, जो नॉर्मल पीपल हैं, जो हम लोग बाहर गए सोसाइटी में, तो वहां पे जिस तरीके का एथिकल बिहेवियर हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और एक होता है हम लोग प्राइवेट रिलेशनशिप में, यानी प्राइवेट लाइफ में हम लोग जिस तरीके का एथिकल बिहेवियर रिप्रेजेंट करते हैं। प्राइवेट लाइफ का मतलब हो गया पर्सनल रिलेशनशिप, जैसे आप अपने फैमिली के साथ किस तरीके से बिहेव कर रहे हो, अपने वाइफ के साथ या अपनी गर्लफ्रेंड के साथ किस तरीके से बिहेव कर रहे हो, अपने बच्चों के साथ किस तरीके से बिहेव कर रहे हो, अपने माता पिता के साथ किस तरीके से बिहेव कर रहे हो, अपने सिबलिंग के साथ किस तरीके से बिहेव कर रहे हो, तो ये हो गया मेरा एथिक्स इन प्राइवेट रिलेशनशिप और या फिर एथिक्स इन पर्सनल रिलेशनशिप। और दूसरा होता है एथिक्स इन पब्लिक रिलेशनशिप, मतलब पब्लिकली जब आप लोगों से मिल रहे हो तो उस समय किस तरीके का एथिकल बिहेवियर आप दिखा रहे हो। ठीक है, दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है अपनी अपनी जगह पे। अगर हम लोग एथिक्स इन पब्लिक रिलेशनशिप में जाए, ठीक है, तो पब्लिक रिलेशनशिप मतलब पब्लिक के सामने जो है आप किस तरीके से बिहेव कर रहे हो, ठीक है, किस तरीके का एथिकल बिहेवियर दिखा रहे हो, ये हो गया मेरा एथिक्स इन पब्लिक रिलेशनशिप। यहाँ बेसिकली जो पब्लिक रिलेशनशिप है ये ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग अगर हम लोग समझे, तो एक ऑर्गेनाइजेशन का अलग अलग इंडिविजुअल्स के साथ, अलग अलग इंडिविजुअल्स में क्या आएगा यहाँ पे, इंडिविजुअल मतलब मनुष्य नहीं हो गए, ठीक है, इंडिविजुअल्स का मतलब जैसे कि तुम आपका कस्टमर हो गया या फिर एम्प्लॉयज है या फिर इन्वेस्टर्स है या फिर गवर्नमेंट एजेंसीज हो गई या फिर जो जनरल पब्लिक हो गई, आम जनता हो गई, उनके साथ उनका उस ऑर्गेनाइजेशन का किस तरीके से रिलेशनशिप मेंटेन हो रहा है, ये कहलाता है पब्लिक रिलेशनशिप। पब्लिक रिलेशनशिप में जो है कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, जो कम्युनिकेशन स्किल होगा, ठीक है, वो कैसा होना चाहिए, इसमें दो चीजें रिप्रेजेंट होनी चाहिए, एक ये ट्रांसपेरेंट होना चाहिए और दूसरा जो है सोशली रिस्पॉन्सिबल मैनर में होना चाहिए। ठीक है, ये दो चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट है पब्लिक रिलेशनशिप में। पब्लिक रिलेशनशिप होता क्या है अगर हम लोग ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग समझे, तो एक ऑर्गेनाइजेशन का उनके कस्टमर, उनके एम्प्लॉय, इन्वेस्टर्स, गवर्नमेंट एजेंसीज और जो जनरल पब्लिक है उनके साथ जिस तरीके का रिलेशन होता है उसे हम लोग कहते हैं पब्लिक रिलेशंस या पब्लिक रिलेशनशिप। पब्लिक रिलेशनशिप में दो चीजें इंपॉर्टेंट, सॉरी, पब्लिक रिलेशनशिप में जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वो कौन होता है, कम्युनिकेशन का। ठीक है, तो अगर आपने कम्युनिकेशन स्किल अपनी अच्छी लगी रखी, जैसे सपोज करो इसे हम लोग ऐसे समझते हैं, देखो हमें अपने परिवार के बीच में हम लोग नॉर्मल रहते हैं, जैसे आप अपने मम्मा से जो है एकदम नॉर्मल बात कर रहे हो, यानी कि बहुत फॉर्मल होकर के बात करते हो, लेकिन वहीं अगर हम लोग पब्लिक के बीच में जाएं, ठीक है, नॉर्मल लोगों के बीच में जाएं, तो वहां पे हमें बहुत ही फॉर्मेलिटी के साथ बात करनी पड़ती है, तब जाकर के सामने वाला समझता है कि नहीं भाई ये इथिकल है। ठीक है, वहां पे जाकर के नहीं बोल सकते हैं क्या भाई क्या कर रहे हो, ठीक है, लेकिन वही फ्रेंड के साथ बोल सकते हैं क्या क्या चल रहे तेरा, ठीक है, दो तीन गालियां भी दे देते हैं फ्रेंड्स को, तब भी जो है उसके अकॉर्डिंग हम अच्छे ही हैं, क्यों, क्योंकि जरूरत के समय हम अच्छे होते हैं उनके लिए। ठीक है, तो यही होता है पब्लिक रिलेशन और प्राइवेट रिलेशनशिप। पब्लिक रिलेशनशिप में हमें बहुत ही फॉर्मेलिटीज का ध्यान रखना पड़ता है, हमें अपने कम्युनिकेशन का ध्यान रखना पड़ता है, और ये जो कम्युनिकेशन होती है ये ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए और सोशली रिस्पॉन्सिबल मैनर में के साथ होनी चाहिए। सोशली रिस्पॉन्सिबल मैनर मतलब सोसाइटी ने जिस तरीके का एथिकल प्रिंसिपल्स और वैल्यूज बना करके दिया हुआ है, हमें उन सबको फॉलो करना पड़ेगा, यानी कि कुछ भी जो है कर दो, कुछ भी बोल दो तो चल जाएगा। ठीक है, आप घर में जो है कुछ भी पहन के बैठ सकते हो, ठीक है, घर में जो है नॉर्मली जो है कोई संडो गंजी पहन करके बैठा हुआ रहता है, ठीक है, एक वेस्ट पहन लिया और घूम रहा है, इधर तौलिया लपेट करके घूम रहा है, लेकिन पब्लिक फिगर मतलब आप अगर कहीं बाहर जा रहे हो तो उस समय वैसे नहीं जा सकते, उस समय बहुत ही फॉर्मल लुक में बहुत अच्छे से जाना पड़ता है, तब जाकर के हमें कहा जाएगा कि हाँ भाई सिविलाइज्ड बंदा है, ठीक है, मतलब अच्छा है। ठीक है, समझ में आ रहा है जो मैं समझाना चाह रहा हूँ यहाँ पे। तो एथिक्स इन पब्लिक रिलेशनशिप में कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है, हालांकि मैंने यहाँ पे सारी चीजें बता दी आपको, बाकी पढ़ लेना इसमें कुछ नहीं है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग पब्लिक रिलेशनशिप के समय कुछ एथिकल एक्ट्स होते हैं, कुछ अनएथिकल एक्ट्स होते हैं। एथिकल एक्ट्स क्या क्या होता है, ऑनेस्टी एंड ट्रांसपेरेंसी, एक्यूरेसी एंड फेयरनेस, ठीक है, रिस्पेक्ट
फॉर स्टेक होल्डर्स, ठीक है, कॉन्फिडेंशियलिटी, कॉन्फिडेंशियलिटी मतलब सीक्रेट रखना, ठीक है, आप जिस ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहे हो, प्रोफेशनल इंटीग्रिटी, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी, अवॉइडिंग मैनिपुलेशन, ये सब जो है इथिकल कैरेक्टर है, इथिकल एक्ट्स है, इथिकल बिहेवियर्स है जो आपको पब्लिक रिलेशंस में मेंटेन करने होते हैं। वहीं जो अनइथिकल एक्ट्स माना जाता है पब्लिक रिलेशंस में, वो क्या क्या है, सप्रेसिंग अनफेवरेबल न्यूज, कुछ ऐसा न्यूज है जो अनफेवरेबल है, आपने बताने के बजाय उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपने उसे दबा दिया कि मतलब आपसे कुछ गलतियां हो गई हैं, जैसे आप एम्प्लॉय हो और आपसे कुछ कैलकुलेशन में, जब आपको मान लेते हैं आप ऑडिट में वर्क कर रहे हो उस एजेंसी के अंदर, तो आपने ऑडिट करते समय आपसे कुछ मिस्टेक्स हो गई जिसके कारण पूरा का पूरा डाटा गड़बड़ हो गया है, आपने उसे बताने के बजाय जो है आपने उसे छिपा लिया, तो ये क्या हो गया, ये एक अनएथिकल कैरेक्टर हो गया, क्योंकि इससे कंपनी को बाद में बहुत ज्यादा लॉस हो सकता है या फिर उस पर मानहानि का दावा लग सकता है, वो कंपनी बंद भी हो सकती है, ठीक है। दूसरा, मिस रिप्रेजेंटिंग फैक्ट, अगर आप फैक्ट को मिस रिप्रेजेंट करते हो, ये कब होता है, जब बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ता है, टारगेट दिया जाता है तो। तीसरा जो है, पोस्टपोनिंग टू सर्व अ कॉज बट एक्चुअली सर्विंग सम अदर इंटरेस्ट, ठीक है, मतलब जो आपसे कहा गया है आपको वो चीज ना करने के बजाय आप कुछ और दिखा रहे हो सामने वाले को, तो ये क्या हो गया, ये हो गया अनएथिकल कैरेक्टर। उसके बाद जो है, प्रमोटिंग रिजल्ट दैट कैन नॉट बी ऑब्टेंड, ठीक है, आप कुछ ऐसा प्रोमिस कर दे रहे हो कि जो पॉसिबल नहीं है, जैसे अगर मैंने बोला कि मैं 10 टेस्ट सीरीज लेकर के आऊंगा, या फिर मैंने बोला कि मैं एथिक्स की जो है आपको 500 क्वेश्चंस का सेट दूंगा, ठीक है, मैंने यहाँ साफ साफ आपको क्लियरली मेंशन कर दिया है कि जो 200 जो क्वेश्चंस होंगे वो आपके टेस्ट के फॉर्मेट में होगा, और टोटल ये 200 प्लस 500 जो होगा, सॉरी 300 जो होगा, यानी कि ओवरऑल 500 जो क्वेश्चंस होगा, ठीक है, एमसीक्यूज के फॉर्मेट में, ये मैं आपको पीडीएफ के फॉर्मेट में दूंगा क्योंकि समय कम है और हम लोग हर चीज को टेस्ट में अगर कन्वर्ट करने जाएंगे तो वो टाइम टेकिंग होगा, पीडीएफ बहुत इजीली बन जाएगी जिसे आप आसानी से रीड करके जो है प्रैक्टिस कर सकते हो। तो ये चीजें आपको कहाँ पे मिलेगी, आपको एथिक्स के का एक टेस्ट सीरीज आपको निशांति अकेडमी एप्लीकेशन पे दिख रहा होगा, मात्र 100 रुपीज की आपको वहां पे वो मिल जाएगा, तो आप चाहो तो परचेज कर सकते हो। तो यहाँ पे चीजें मैंने क्या करी है, एथिकली मेंशन कर रहा है कि मैं आपको क्या दूंगा क्या नहीं दूंगा, ठीक है, अगर मैं नहीं देता हूं तो वो हो गया अनएथिकल, ठीक है। नेक्स्ट है मेरा यूज ऑफ अनडिजायरेबल मेथड टूवर्ड्स प्रेशरिंग एडिटर्स बाई सॉरी फॉर कैरिंग पब्लिक पब्लिसिटी मटेरियल, ठीक है, अनडिजायरेबल मेथड्स जो है टूवर्ड्स दी प्रेशरिंग एडिट, मतलब ये एडिटर से रिलेटेड है, आपने क्या करा, एडिटर्स को प्रेशर दे करके उससे कुछ जो है चीजें करवा ली, तो ये क्या हो गया, ये अनएथिकल हो गया। तो ये कुछ देखो, ये कुछ बेसिक्स एग्जाम्पल है, आप इससे जो है समझ करके, जरूरी नहीं कि इतने ही हो सकता है कि आपको ऑप्शंस में कुछ ऐसा दिख जाए जो अनएथिकल या एथिकल को रिप्रेजेंट कर रहा हो, ठीक है, आपको चीजें पढ़ करके समझनी होंगी कि पब्लिक रिलेशनशिप में कौन कौन सी चीजें एथिकल होती है, कौन कौन सी चीजें अनएथिकल होती है, अगर आपने उसे समझ करके एनालाइज करके अच्छे से आंसर दिया तब जाकर के आपका ये पेपर अच्छा जाने वाला है। नेक्स्ट है मेरा ड्यूलाइट एंड वॉल्डो, ठीक है, ड्यूलाइट एंड वॉल्डो के अकॉर्डिंग अगर आप पब्लिकली किसी ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहे हो तो यहाँ पे 12 ऐसे एरियाज होते हैं जिसे हम लोग एथिकल कह सकते हैं, ठीक है, ये 12 कौन कौन से एरियाज हैं, एक कॉन्स्टिट्यूशन है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन बन सकता है, एक कॉन्स्टिट्यूशन है, दूसरा लॉ है, तीसरा नेशन है, तीसरा चौथा है कंट्री और पीपल, नेक्स्ट मेरा डेमोक्रेसी, ऑर्गेनाइजेशनल और ब्यूरोक्रेटिक नॉर्म्स, प्रोफेशन एंड प्रोफेशनलिज्म, फैमिली एंड फ्रेंड, सेल्फ, पब्लिक इंटरेस्ट एंड जनरल वेलफेयर, 11वां नंबर पे है ह्यूमैनिटी, और फिर 12वां नंबर पे है मेरा रिलीजन और गॉड। तो ये 12 ऐसे एथिकल एरियाज हैं जो भी आप किसी पब्लिक ऑफिस में काम करोगे या फिर किसी पब्लिकल ऑर्गेनाइजेशन में काम करोगे तो वहां इन 12 एरियाज को ध्यान में रखना जरूरी है, क्योंकि इन्हीं से एथिकल या जो जो हमारा जो एथिक्स है वो बिलोंग करता है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, नेक्स्ट है मेरा नलून 7 प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक लाइफ। नलून कमिटी जो है वो यूनाइटेड किंगडम की कमिटी है जिसने जो है 7 अलग अलग प्रिंसिपल्स दिए थे पब्लिक लाइफ से रिलेटेड। ये 7 प्रिंसिपल्स में से जो पहला है वो है मेरा सेल्फलेसनेस। सेल्फलेसनेस हमें ये कहता है कि अगर आप किसी पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहे हो या फिर आप कोई पब्लिक रिलेशनशिप का के अंदर आपको अगर इथिकल बिहेवियर शो करना है तो हमें सबसे पहले जो है अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग काम नहीं करना पड़ेगा। हमें जो जो पब्लिक है, जो आम जनता है, या जो पब्लिक इंटरेस्ट है उसे ध्यान में रख करके काम करना पड़ेगा।
दूसरा है मेरा इंटीग्रिटी। बेसिकली इंटीग्रिटी हमें क्या कहता है, इंटीग्रिटी हमें कहता है कि अगर मान लो अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहे हो, उस समय क्या है कि आप एक ऑफिसर के पोस्ट पे हो और आपने क्या करा, किसी से ब्राइब ले लिया, किसी लीडर से ब्राइब ले लिया, तो अब जैसे ही आपने ब्राइब ले लिया तो आप पर एक अल्टीमेट प्रेशर क्रिएट होगा उन लीडर्स का कि आपको ये काम को इस तरीके से मॉडिफाई करना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपकी इंटीग्रिटी खत्म हो जाएगी। तो आपको इंटीग्रेट होकर के काम करना पड़ेगा कि जो ऑर्गेनाइजेशन की जो एथिकल रूल्स, आप उससे हट करके काम नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहाँ पे इंटीग्रिटी का मतलब आपको समझ में आ गया कि ब्राइब वगैरह सब नहीं लेना है, कि बाहर का आपको किसी तरीके का जो है इंटरफेयर आपके काम के ऊपर में पड़े, ठीक है। मतलब जो आपके ऑब्लिगेशंस होंगे वो ऑर्गेनाइजेशंस के लिए होंगे, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन के लिए होंगे, पब्लिक इंटरेस्ट के लिए होंगे। ऐसा नहीं कि किसी लीडर ने या फिर किसी और व्यक्ति ने जो है आपको किसी तरीके से प्रेशराइज करा और उनके प्रेशर पे आकर के, मतलब उस प्रेशर के अकॉर्डिंग फिर आप जो है चीजों को क्या कर रहे हो, मॉडिफाई कर रहे हो, चेंज कर रहे हो, ठीक है, वो नहीं होना चाहिए। तीसरा है ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी देखो, ऑब्जेक्टिविटी के अंदर क्या आता है मेरा, जैसे सपोज करो कि किसी को रिवार्ड देना है या अवार्ड देना है, तो उस समय सेल्फ सेंटर्ड ना होकर, अपने बारे में ना सोच करके, जो वाजिब है, जो सही है, उस तरीके का डिसीजन लेना, ये कहलाता है मेरा ऑब्जेक्टिविटी। उसके बाद अकाउंटेबिलिटी, आप जिम्मेवार होने चाहिए आप अपने एक्शंस के लिए, ठीक है। ओपननेस मतलब बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होना चाहिए चीजें। उसके बाद है ऑनेस्टी, ईमानदारी के साथ होना चाहिए और लीडरशिप बताने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। तो ये 7 इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स हैं नलून के द्वारा दिए गए थे जो पब्लिक लाइफ के ऊपर में। आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि इन चारों में से कौन सा जो है नलून 7 प्रिंसिपल के अंदर नहीं आता है, तो आपको उस समय इन 7 प्रिंसिपल को याद करना पड़ेगा। नेक्स्ट है मेरा एथिक्स इन प्राइवेट रिलेशनशिप। देखो, प्राइवेट रिलेशनशिप या पर्सनल रिलेशनशिप दोनों सेम है। तो यहाँ पे जब भी हम लोग इथिकल बिहेवियर को हम लोग शो करेंगे तो यहाँ पे कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे कि रिस्पेक्ट मेंटेन हो रहा है यानी, ऑनेस्टी मेंटेन हो रही है यानी, कम्युनिकेशन मेंटेन हो रहा है यानी, ठीक है, बात ही नहीं कर रहे हो अपने परिवार वालों से, तो फिर कहाँ का इथिकल बिहेवियर फिर वो रिप्रेजेंट होगा। कंसेंट मतलब आपको एक कंसेंट लेके चलना पड़ेगा कि सामने वाला जो है, जब भी मैं कुछ बोल रहा हूँ, सामने वाला कंसेंट हो रहा है या नहीं, या उनकी बातों पे मैं कंसेंट हो रहा हूँ या नहीं, एंड दी वेल बींग ऑल द पार्टीज इन्वॉल्व, मतलब सब जो है सही हो, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखा जाता है प्राइवेट रिलेशनशिप में। प्राइवेट रिलेशनशिप में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है कि प्राइवेट रिलेशनशिप हमेशा इंटीमेट और इनफॉर्मल रिलेशनशिप होता है, ठीक है। जो पर्सनल रिलेशन हो गया वो क्या हो गया, इनफॉर्मल रिलेशन हो गया, और यहाँ पे एक इंटीमेसी बनती है, ठीक है। हमेशा फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव्स के साथ जो है हमेशा प्राइवेट रिलेशनशिप होता है। यहाँ पे हम लोग अपना सोवेरेन का ध्यान रखते हैं, सोवेरेन मतलब अपने आप को इंपॉर्टेंस देते हैं, ठीक है। जबकि पब्लिक रिलेशनशिप में क्या था कि पब्लिक का जो इंटरेस्ट था उस पर ध्यान दिया जाता था, यहाँ पे भाई हम अपनी मर्जी के मालिक हैं, हम जो करना चाहें वो कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन वो इथिकल बिहेवियर के अंदर आता हो, ठीक है। इसके अलावा जो है जो प्राइवेट लाइफ होती है वहां पे लव और कॉम्पेशन का बहुत बड़ा रोल होता है। आप जितना प्यार से और कॉम्पेशन के साथ जो है आप सामने वाले से बात करिएगा वो उतना जल्दी कन्विंस होगा, ठीक है। आपने देखा भी होगा कि अक्सर दो भाइयों या भाइयों और बहनों के बीच में क्या होता है, बड़ा वाला जब उसे कुछ काम निकालना होता है छोटे वाले से, तो बड़े प्यार से बोलता है कि गुड़िया तू ये कर दे, गुड़िया थोड़ा सा ला दे, ठीक है। लेकिन अगर कुछ डांटना हो तो उस समय बड़े गुस्से में बोलता है, ठीक है। तो कॉम्पेशन और लव का बहुत बड़ा रोल होता है इन द मैटर ऑफ प्राइवेट रिलेशनशिप। द वर्च्यू एथिक्स एंड रिलेशनशिप एथिक्स प्ले, यहाँ पे PALY हो गया, PLAY होगा, ठीक है, प्ले मोर इंपॉर्टेंट रोल्स। यहाँ पे क्या है कि जो प्राइवेट रिलेशनशिप है, प्राइवेट रिलेशनशिप में जो वर्च्यू एथिक्स होता है, वर्च्यू एथिक्स बताया हुआ है जो यूनिवर्सली फॉलो होता है, जैसे कि लव, कॉम्पैशन, ठीक है, काइंडनेस, ऑनेस्टी, ट्रूथ, ये सब क्या हो गया, वर्च्यू एथिक्स हो गए। तो वर्च्यू एथिक्स और रिलेशनशिप एथिक्स मतलब रिलेशन मेंटेन करने के लिए जिस तरीके का हम लोग एथिकल बिहेवियर शो करते हैं उसे हम लोग कहते हैं रिलेशनशिप एथिक्स। तो इन दो चीजों का बहुत ज्यादा ध्यान रखा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट मेरा प्राइवेट रिलेशनशिप मे आल्सो बी इनहेरिटेड एंड दे आर मोर ड्यूरेबल। जो प्राइवेट रिलेशनशिप है वो इनहेरिटेड होता है। इनहेरिटेड मतलब इसे ऐसे बनाया जाता है ना कि जैसे सामने वाला कर रहा है तो वो अपनी जनरेशन को देगा कि देखो ये कैरेक्टर बढ़िया है, इसे जो है आपको भी करना है। नहीं बेटा, झूठ नहीं बोलना है, झूठ बोलने से कौवा काट लेता है, ठीक है, ये सिखाया जाता है, ठीक है, कि पर्सनल रिलेशनशिप में कैसे मेंटेन करना है चीजों को। एंड मोर ड्यूरेबल, और ये जो रिलेशनशिप होता है ये ज्यादा ड्यूरेबल होता है, जिसकी वजह से जो पब्लिक रिलेशनशिप, जब भी हम लोग पब्लिक रिलेशनशिप में क्या होता है, पब्लिक इंटरेस्ट,
को हम लोग फोर्स करते हैं, पब्लिक इंटरेस्ट का हम लोग ध्यान रखते हैं, सॉरी ठीक है। तो पब्लिक इंटरेस्ट का जब ध्यान रखते हैं, तो अगर हम चाहते हैं कि पब्लिक के साथ मेरा जो रिलेशन है वो ज्यादा समय तक बने, मोर ड्यूरेबल बने, तो हम लोग थोड़े से टेंड होते हैं, थोड़ा सा हमारा झुकाव होता है पर्सनल रिलेशनशिप का, मतलब पब्लिक के साथ पर्सनल अटैच होने का। ये अब ऑर्गेनाइजेशन कर रही है, इससे होता क्या है, इससे एक ड्यूरेबिलिटी बनती है, मतलब एक बार जो कस्टमर बन गया वो कस्टमर बन गया, ठीक है। जैसे ही उसके साथ एक पर्सनल रिलेशनशिप बन गया, तो वो कस्टमर दोबारा से अगर उसे वो सामान चाहिए होगा तो वो दोबारा से मेरे पास आएगा, नहीं भी चाहिए होगा तो भी कुछ ना कुछ बहाना करके खरीदने के लिए मेरे पास आएगा। ये हो गया ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग अगर आप सोच रहे हो, तो जो पब्लिक रिलेशनशिप हो गया उसके वो जो है थोड़ा सा क्या होने लगा है, टेंड होने लगा है टूवर्ड्स द प्राइवेट रिलेशनशिप की तरफ। नेक्स्ट है मेरा एथिक्स इन प्राइवेट रिलेशनशिप ऑल्सो डिपेंड ऑन द सोशल कल्चर, ठीक है पढ़ लेना, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, ठीक है ये सारे पॉइंट्स हैं, एक बार रीड कर लेना। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, अच्छा ये लाइन, इफ यू डू नॉट फॉलो एथिकल प्रिंसिपल इन आवर प्राइवेट लाइफ वी लूज लव कंपैशन, कुछ नहीं है बस एक बार पढ़ोगे समझ में आ जाएगा। अगर हम लोग एथिकल प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करेंगे अपने प्राइवेट लाइफ में, अपने पर्सनल लाइफ में, तो हम लोग लूज कर देंगे क्या, लव कंपैशन ट्रस्ट फेथ, ठीक है जैसे हम प्यार करते हैं जो हमारे अपने हैं उन्हें हम खो देंगे, तो ये कौन नहीं जानते, सभी जानते हैं, ठीक है। नेक्स्ट मेरा यहाँ पे एथिक्स इन प्राइवेट एंड पब्लिक इंटरेस्ट, देखो क्या होता है कि जब भी हम लोग प्राइवेट रिलेशनशिप मेंटेन करते हैं या फिर पब्लिक रिलेशनशिप मेंटेन करते हैं, तो पब्लिक रिलेशनशिप में हमें पब्लिक के इंटरेस्ट को ध्यान में रखना पड़ता है, लेकिन प्राइवेट रिलेशनशिप में हमें सेल्फ इंटरेस्ट मतलब खुद का जो इंटरेस्ट है हम लोग उसके लिए हम लोग जिम्मेवार होते हैं, हम लोग उसके लिए लायबल होते हैं, ठीक है। सेल्फ इंटरेस्ट क्या होता है बताने की जरूरत नहीं है, जो भाई मेरा मन कर रहा है मुझे करना है, ठीक है वो सेल्फ इंटरेस्ट हो गया। यहाँ पे खुद का एडवांटेजेस हो सकता है, प्लेजर हो सकता है, वेल बीइंग हो सकता है, विदाउट एनी रिगार्ड ऑफ अदर्स, दूसरे का कुछ लेना देना नहीं है, उसकी खुशी से मतलब नहीं है, यहाँ पे मेरी खुशी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है, मेरी खुशी का मतलब मेरी खुशी नहीं, ठीक है, क्योंकि ये एक पर्सनल रिलेशनशिप की बात हो रही है, एक प्राइवेट रिलेशनशिप की बात हो रही है जिसके अंदर फैमिली फ्रेंड सब आएंगे, ठीक है। तो जो अपने लोग हैं उनकी खुशी की बात हो रही है यहाँ पे, मेरी नहीं, तब तो वो मेरा सेल्फिशनेस हो गया फिर, ठीक है। यहाँ सेल्फ इंटरेस्ट की बात हो रही है, सेल्फ इंटरेस्ट और सेल्फिशनेस में क्या अंतर है, सेल्फिशनेस, अरे मुंह पे गड़बड़ हो रहा है थोड़ा सा, जो सेल्फिशनेस है उसके अंदर वो बिल्कुल सेल्फ सेंटर्ड होता है जिसमें सिर्फ मैं वर्ड आ रहा है, ठीक है, जबकि जो सेल्फ इंटरेस्ट होता है उसमें हम आ रहे हैं, ठीक है, पूरा परिवार आ रहा है, हमारे फ्रेंड्स आ रहे हैं, ठीक है, हमारे सिबलिंग्स आ रहे हैं, सब कुछ आ रहा है वहां पे, ठीक है। तो उनके इंटरेस्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है, जैसे आपके अगर बच्चे हैं या फिर आपके मतलब मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए आपके फैमिली में कोई बच्चा है, ठीक है, भले ही आपका ना हो लेकिन आपके फैमिली में तो है, उसकी खुशी के लिए आप जो है उसे खुश करने के लिए आप कुछ भी दे देते हो उसे, ताकि भाई वो खुश रहे, ठीक है, पॉकेट से तुरंत जो है पैसे लिए और फिर जो है कुछ चॉकलेट खरीद करके उसे दे दिया, तो ये क्या हो गया, ये अपने लोगों के लिए जो इंटरेस्ट है वो आया यहाँ पे, ठीक है, अपने लोगों की भलाई के लिए जो भी आपको करना पड़ा उस रिलेशनशिप को मेंटेन करने के लिए, जो भी आपको एथिकल बिहेवियर अपनाने पड़े, वो हो गया मेरा सेल्फ इंटरेस्ट, ठीक है। तो कुछ नहीं है, आप अगर एक बार अच्छे से चीजों को जो भी मैंने बताया इसे आपको एक ओवरऑल आइडिया लग गया होगा कि क्या है, उसके बाद एक बार रीड कर लो, रीड करके जो है जो मैं आपको बता रहा हूँ कि 500 क्वेश्चंस का जो मैं सेट दे रहा हूँ या 200 क्वेश्चंस का जो प्रैक्टिस टेस्ट है, ठीक है, इसे एक बार दे जाओ तो आपका ओवरऑल क्लैरिटी मिल जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट मेरा पब्लिक इंटरेस्ट, पब्लिक इंटरेस्ट बता दिया, पब्लिक इंटरेस्ट जो है कुछ प्रिंसिपल्स पे बेस्ड होता है, जैसे कि एक है मेरा प्रिंसिपल ऑफ पार्टिसिपेशन, ठीक है। अब देखो पब्लिक इंटरेस्ट में जो बेस्ट एग्जांपल है वो ऑर्गेनाइजेशन का है, तो पार्टिसिपेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है ऑर्गेनाइजेशन का, कि मतलब जो है पब्लिक के इंटरेस्ट के लिए आपको पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, आपको ध्यान देना पड़ेगा कि वो कहाँ पे क्या सोचती है, क्या उसे जरूरत है, क्या उसे चाहिए, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ चैरिटी, प्रिंसिपल ऑफ सब्सिडरी, प्रिंसिपल ऑफ ऑटोनॉमी, ऑटोनॉमी का मतलब क्या हो गया, ऑटोनॉमी का मतलब हो गया कि जो है आप अपनी मर्जी से वहां पे काम कर रहे हो, ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप बाध्य हो कुछ करने के लिए, नहीं समझ में आया, समझ मतलब यहाँ पे एक तरह से समझ लो डेमोक्रेसी हो गई। ऑटोनॉमी का मतलब यहाँ पे क्या हो गया कि आपकी जो इच्छा है वो आप अपने अकॉर्डिंग अपनी इच्छा को व्यक्त कर सकते हो, यहाँ पे किसी का फोर्स नहीं है, तो वो हो गया यहाँ पे ऑटोनॉमी। उसी तरीके से प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसपेरेंसी, मतलब चीजें क्या होनी चाहिए, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। तो ये 5 प्रिंसिपल्स हैं पब्लिक इंटरेस्ट से रिलेटेड,
ठीक है, यहाँ पे आपका पब्लिक इंटरेस्ट खत्म हो गया, पब्लिक एंड प्राइवेट इंटरेस्ट। नेक्स्ट है मेरा ह्यूमन वैल्यू। देखो ह्यूमन वैल्यूज क्या होता है, आपने देखा होगा कि एक ही फैमिली में जो है अगर बच्चे हैं तो एक बच्चा जो है वो पढ़ाई में बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होता है, एक जो है गेम्स में बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होता है। कुछ लोगों के अकॉर्डिंग जो है पैसा बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कुछ लोगों के अकॉर्डिंग जो है पावर्स की बहुत ज्यादा वैल्यू होती है, कुछ लोग टाइम को बहुत ज्यादा वैल्यू देते हैं। तो अगर आप नोटिस करोगे कि एक ही स्कूल में एक ही जैसी शिक्षा होती है लेकिन बच्चों का बिहेवियर अलग अलग तरीके से जो है डेवलप होता है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि वो एक टाइम पे या सेम एनवायरमेंट पे वो अलग अलग चीजों को वैल्यू दे रहे हैं। इसे और हम लोग एक दूसरे एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं, ठीक है। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जो आईएएस एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे होंगे या करना चाहते होंगे, ठीक है। तो इसमें क्या है कि अगर मैं आपसे पूछूं कि आप आईएएस क्यों बनना चाहते हो, तो कुछ लोग ये कहेंगे कि सैलरी सर बहुत अच्छी है, पैसा बहुत है यहाँ पर, ठीक है। कुछ लोगों के अकॉर्डिंग जो है इसके अंदर पावर्स है, ठीक है, ताकि आप जो है कुछ बड़ा पावरफुल कर सकते हो, ठीक है। कुछ लोगों को लगेगा कि नहीं ये सब मुंह माया है, एक्चुअल में जो मेरा जो मेन पर्पस है इस सिविल सर्विस को ज्वाइन करने का वो ये है कि मैं समाज के लिए जो है ये चीजें करना चाहता हूँ, क्योंकि इस चीज पे इन चीजों पे अभी तक किसी ने काम नहीं करा, तो अगर मैं इन सब जगहों पे काम करूं तो मुझे लगता है कि जो सोसाइटी है वो थोड़ी सी और डेवलप होगी, ठीक है, इंडिया और आगे जाएगा। तो मतलब है क्या कि एक ही फील्ड तो एक ही है आईएएस ऑफिसर, ठीक है, सिविल सर्विस एग्जाम, लेकिन जो वैल्यूज है वो लोग अलग अलग चीजों को वैल्यूज दे रहे हैं। तो क्या होता है कि जब आप अलग अलग तरह की चीजों को वैल्यूज देते हो तो उसके अकॉर्डिंग अलग अलग तरह के इथिकल बिहेवियर्स जो है वो डेवलप होते हैं, ठीक है। और यहीं से ह्यूमन वैल्यूज का जन्म हुआ। ह्यूमन वैल्यूज में बेसिकली हमें ये देखना होता है कि अलग अलग तरह के जो एथिकल बिहेवियर हैं उसके अकॉर्डिंग जो लोग हैं वो किस चीज को ज्यादा वैल्यू देते हैं, ठीक है। अगर मैं डेफिनेशंस की बात करूं ह्यूमन वैल्यूज की, तो बहुत सारे डेफिनेशंस हैं इसके, अलग अलग तरह से निकल सकते हैं, ठीक है। एक्चुअल जो डेफिनेशन है वो मैंने नीचे लिखा हुआ है, यहाँ पे जो लिखा हुआ है मैं वो पढ़ रहा हूँ सबसे पहले, कि इम्पॉर्टेंट एंड लास्टिंग बिलीफ और आइडियल्स, ठीक है। किसी कल्चर के द्वारा, किसी कल्चर, कोई कल्चर है, ठीक है, उस कल्चर के जो मेंबर्स होंगे उनके द्वारा कुछ इम्पॉर्टेंट और लास्टिंग बिलीव्स और आइडियल्स बनाए गए होंगे, जिसे जो है या जिसके अकॉर्डिंग जो है क्या सही है क्या गलत है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, कौन हमारी इच्छा के अंदर आता है कि जिसे हम डिजायरेबल कह सकते हैं, कौन किसकी इच्छा करना वो अनैतिकता है, मतलब अनएथिकल है। ये सारी चीजें जो डिसाइड हो रही हैं वो किसके द्वारा डिसाइड हो रही हैं, ह्यूमन वैल्यूज के द्वारा ही डिसाइड हो रही हैं, ठीक है। दो इंपॉर्टेंट स्कॉलर्स हैं, एक जॉन डेवे और जो दूसरा है वो है आर के मुखर्जी। इन दोनों के अकॉर्डिंग जो है दो डेफिनेशंस दिए गए हैं वैल्यूज की, ठीक है, या ह्यूमन वैल्यूज की। इसे एक बार रीड कर लेना, कोई बहुत बड़ा इसके अंदर जो है तीस मार खान नहीं है जो आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। पहला जो जॉन डेवे है वो कहता है कि जो वैल्यूज है, ठीक है, उसका मतलब कुछ भी हो सकता है, प्राइस भी हो सकता है, ठीक है, पैसा भी हो सकता है, स्टीम भी हो सकता है, सम्मान भी हो सकता है, अप्रेज भी हो सकता है, ठीक है, या फिर एस्टिमेट भी हो सकता है। इट मींस द एक्ट ऑफ चेरिशिंग समथिंग होल्डिंग इट डियर। मतलब क्या होता है कि जब भी आप किसी चीज को वैल्यू दे रहे हो कि आपके लिए जो है ये बहुत ज्यादा वैल्यूबल है, ठीक है, ये पेन बहुत ज्यादा वैल्यूबल है, तो आप इसे जो है हमेशा अपने पास रखोगे, हमेशा अपने करीब रखोगे, ठीक है, आपको लगेगा कि ये ऐसे कुछ हो ना जाए, और हमेशा इसी के वैल्यूबल या इसी के कंपैरिजन में कोई और आपको वैल्यूबल चीजें दिख गई तो आप तुलना तुरंत करना शुरू हो जाओगे कि दोनों में ज्यादा वैल्यूबल क्या है या कौन सा है, ठीक है। दूसरा है मेरा आर के मुखर्जी। आर के मुखर्जी के अनुसार जो वैल्यूज है वो सोशली अप्रूव्ड डिजायर्ड और गोल्स होते हैं जो हमेशा कंडीशनिंग, लर्निंग, सोशलाइजेशन और एस्पिरेशंस में हेल्प करती हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट आते हैं टाइप्स ऑफ, यहाँ पे डेफिनेशंस ही हैं जो और एलिबोरेट करके मैंने लिखा हुआ है, तो इसे बस रीड कर लेना, कुछ स्पेशल नहीं है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग टाइप ऑफ ह्यूमन वैल्यू पे। ह्यूमन वैल्यूज के अलग अलग तरह के टाइप्स हैं, इसमें से पहला टाइप है वो है मेरा यूनिवर्सल वैल्यूज। मतलब कुछ ऐसी वैल्यूज होती हैं जो यूनिवर्सल लेवल पे एक जैसी होती हैं, जैसे कि इक्वालिटी, ऑनेस्टी, ट्रूथफुलनेस, फेथफुलनेस, ग्रेटिट्यूड, टॉलरेंस, ट्रस्ट, डिसिप्लिन, फेयरनेस, लव, पीस, जस्टिस और कॉम्पैशन, ठीक है। इससे क्वेश्चंस बन सकता है, ठीक है, यूनिवर्सल वैल्यूज कहा जाता है इन्हें।
उसी तरीके से कुछ होती हैं जो लोकल वैल्यूज होती है। लोकल वैल्यूज का मतलब ये है कि एक पर्टिकुलर कल्चर या सिविलाइजेशन के अकॉर्डिंग वो वैल्यूबल है, लेकिन दूसरे सिविलाइजेशन या कल्चर के अकॉर्डिंग उसकी कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, इसके कुछ एग्जांपल्स हो सकते हैं, जैसे ईटिंग हैबिट्स हो सकता है वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन वाला। ठीक है, कंजप्शन ऑफ इंटॉक्सिकेंट्स जैसे अल्कोहल जो है कुछ कल्चर्स में पीना जो है वो गलत है, लेकिन कुछ लोग जो है उसे सेलिब्रेशन में पीते हैं। ठीक है, मैरिज ट्रेडिशन हो सकता है, फैमिली वैल्यूज हो सकती हैं। ठीक है, उसी तरह से रिस्पेक्टिंग एल्डर्स हैं, बड़ों का सम्मान करना। अगर आप यूएसए में जाओगे तो बहुत ज्यादा वहां पे सम्मान नहीं किया जाता है, वहां पे बड़ों का बस हाय हेलो सबको किया जाता है वहां पे। कास्टिसिज्म, ड्रेसिंग, ये सब जो है क्या हो गई, जो है लोकल वैल्यूज के एग्जांपल्स हो गए। नेक्स्ट मेरा सिचुएशनल एंड सस्टेनेबल वैल्यूज। बहुत बार ऐसा होता है कि जो सिचुएशंस है उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो पर्टिकुलर नीड उस समय है उसी को सबसे ज्यादा वैल्यूबल मान लिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, आपको प्यास लगी है, तो आपको जब प्यास लगी है तो उस समय आपको सिर्फ पानी चाहिए होगा। आपको अगर कोई सोडा देगा ना तो आपको पीने का मन नहीं करेगा, भले ही वो आपका सबसे फेवरेट ड्रिंक हो। ठीक है, रेडबुल आपको किसी ने दे दिया तो आप बोलोगे भाई मुझे पानी चाहिए, मुझे प्यास लगी है। ठीक है, क्योंकि उस समय जो सबसे वैल्यूबल चीज हो गया वो क्या हो गया, वो पानी हो गया, वाटर हो गया। तो कुछ ऐसी वैल्यूबल चीजें होती हैं या कुछ ऐसी वैल्यूज होती हैं जो सिचुएशंस के अकॉर्डिंग होती हैं, लेकिन वो सस्टेनेबल नहीं होती। जो सस्टेनेबल होती हैं उनका सिचुएशन से कोई लेना देना नहीं होता। ठीक है, सस्टेनेबल मतलब वो लॉन्ग लास्टिंग हो। ठीक है, तो याद रखना सिचुएशन और सस्टेनेबल ये दोनों एक दूसरे के हमेशा अपोजिट काम करता है। जो सिचुएशनल वैल्यूज होती हैं और जो सस्टेनेबल वैल्यूज होती हैं ये दोनों एक दूसरे के हमेशा अपोजिट होती हैं। ठीक है, सस्टेनेबल वैल्यूज में जैसे जो चीजें सस्टेन होकर के ज्यादा समय तक रह सकें, जैसे एनवायरमेंट, कंट्री का रेपुटेशन। ठीक है, तो ये सब क्या हो गया, ये सब हो गया सस्टेनेबल वैल्यूज। नेक्स्ट आते हैं हम लोग पर्सनल वैल्यूज पे। ठीक है, देखो पर्सनल वैल्यूज जो है और कल्चरल वैल्यूज इसके बाद ही होगा, कल्चरल वैल्यूज ये दोनों जो है एक दूसरे का कंटेम्पररी है, मतलब एक के बगैर दूसरा एग्जिस्ट नहीं कर सकता। एक जो है मतलब जो पर्सनल वैल्यूज है या तो सपोर्टिव में होगा कल्चरल वैल्यूज के या उसके अपोजिट में होगा, अपोजिट मतलब कॉन्ट्ररी में। क्योंकि पर्सनल वैल्यूज जो है बिल्कुल इंट्रेंसिक होता है, इंट्रेंसिक मतलब अंतर अंदर से निकलता है, अंतरात्मा जो कहती है वो हो गया मेरा पर्सनल वैल्यूज। जैसे आपने बचपन से गरीबी देखी है, ठीक है, बचपन से गरीबी देखा है और आपने हमेशा इस चीज को फेस करा है कि जिसके पास पैसा है उसकी समाज में इज्जत ज्यादा है, तो आपका मेन मोटिव क्या होगा, ऑब्वियस है पैसे कमाना। ठीक है, मुझे ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाने हैं। ठीक है, अब वहां पे ना टाइम इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए, ना अदर रिलेशंस इंपॉर्टेंट होंगे, आपके दिमाग में जैसे एक ऑब्सेशन चलेगा कि नहीं मुझे जो है सिर्फ पैसे का कीड़ा बनना है, मुझे ज्यादा से ज्यादा धन एक्वायर करना है, क्योंकि जिसके पास पैसा है उसी की समाज में इज्जत है। ठीक है, तो ये समाज ने आपको नहीं बोला, समाज आपको सिर्फ यही कहेगा कि हाँ भाई हर चीज जो है बैलेंस लेकर के चलो, लेकिन आपने इस चीज को रियलाइज करा अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से कि पैसे की वैल्यू ज्यादा है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, पैसे के पीछे भागना शुरू करोगे। तो आपने जो वैल्यूज दिया उस किसे दिया, पैसे को दिया। क्यों दिया, क्योंकि आपके साथ कुछ ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है जिससे आपको ये रियलाइज हुआ, आपको रियलाइज हुआ, ठीक है, अंदर रियलाइज हुआ कि नहीं पैसे की वैल्यू है, पैसे के कारण समाज में इज्जत है। ठीक है, तो पर्सनल वैल्यूज क्लियर हो गए, पर्सनल वैल्यूज एग्जिस्ट इन रिलेशन टू कल्चरल वैल्यूज आइदर इन एग्रीमेंट और डाइवर्जिंग। डाइवर्जिंग मतलब उसके अगेंस्ट में, जैसे समाज कह रहा है कि नहीं भाई सब चीज को लेके चलो, पैसा समय रिलेशन हर चीज इंपॉर्टेंट है, आपने देखा कि नहीं इसमें जो पैसा है क्योंकि मुझे जो प्रॉब्लम हुई है स्टार्टिंग से वो पैसे की वजह से हुई है, तो मुझे किस पे फोकस करना है, पैसे पे, मेरे लिए जो है सबसे वैल्यूबल क्या हो गया, पैसा। ठीक है, बहुत के लिए सबसे वैल्यूबल क्या होगा, रिलेशनशिप, रिश्ते इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, एक परिवार इंपॉर्टेंट होता है, तो या तो आप पैसा देख लो या फिर परिवार देख लो या फिर खुशियां देख लो। ठीक है, तो क्लियर हो गया ना पर्सनल वैल्यूज क्या होती हैं। डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछना, बहुत ही प्रैक्टिकल है। आप जितना अच्छा, आपको अब लग रहा होगा कि यार ये तो कुछ नहीं है, ठीक है, मैं सोच रहा था पता नहीं क्या है एथिक्स, लेकिन यही एथिक्स है। ठीक है, एथिक्स मतलब यहाँ पे बहुत प्रैक्टिकल चीजें हैं। ठीक है, मतलब नैतिकता, नैतिकता से रिलेटेड आप क्या पढ़ोगे, बहुत ज्यादा टर्म्स तो नहीं होंगे ना मैनेजमेंट वाले। ठीक है, यहाँ पे तो पर्सनल के बाद आता है कल्चरल। कल्चरल क्या हो गया, एक्सट्रेंसिक हो गया, मतलब आप समाज से क्या सीख रहे हो, आप अपनी कम्युनिटीज के जो जो प्रिंसिपल्स हैं, जो जो वैल्यूज उन्होंने जो बनाई हुई है, आप उनके अकॉर्डिंग चीजों को जब करोगे तो वो कल्चरल वैल्यूज हो जाएंगे। ठीक है,
जैसे फॉर एग्जांपल जैसे गवर्नमेंट जॉब जो है वो इंडिया में क्या है, एक बहुत ही जो है ऑब्सेशन वाला है, मुझे गवर्नमेंट जॉब चाहिए, ठीक है। सो इन इंडिया पीपल वैल्यू गवर्नमेंट जॉब्स मच मोर देन कॉर्पोरेट वंस। वहीं अगर आप यूएसए में चल जाओगे तो ठीक इसका उल्टा है, वहां पे गवर्नमेंट जॉब को कोई पूछता ही नहीं है, हर कोई चाहता है कि मुझे जो है एक प्राइवेट कंपनी खोलनी है, मुझे एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट बनना है, ठीक है। मोस्ट पीपल इन द सोसाइटी एक्सेप्ट कल्चरल वैल्यूज इवन इफ दे डू नॉट एग्री विद देम, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है ये, ठीक है ये क्या कह रहा है कि जो कल्चरल वैल्यूज होती हैं, बहुत बार क्या होता है आप जो है आपको वो कल्चरल वैल्यू पसंद नहीं है लेकिन फिर भी आप उस कल्चरल वैल्यूज का पार्ट होते हो, ठीक है, क्योंकि आपके पास ऑप्शन नहीं है, क्योंकि सिर्फ आप नहीं मान रहे हो इकलौता, सभी लोग मान रहे हैं। जैसे रिलीजन के केस में क्या होता है, आस्था। अब आस्था के साथ जो है बहुत सारी चीजें आपको करवाई जाती हैं जो अमान्य होती, जो आपको लगता है यार पढ़ लिख करके इस तरह के आडंबर में पढ़ना ये सही नहीं है, लेकिन चूंकि सब लोग मान रहे हैं तो उनके रिस्पेक्ट में आपको मानना पड़ता है वहां पे, ठीक है। अब एग्जैक्टली मैं यहाँ पे कुछ नाम नहीं लूंगा, ठीक है, अब जो है इशू बन जाएगा फिर फालतू में। ऐसे ही एक बार अभी रिसेंटली टेलीग्राम पे 22 तारीख को मैंने एक टेक्स्ट करा तो उस पे बवाल मच गया फालतू में कि जो है आपने देखा होगा शायद अगर आप टेलीग्राम चैनल पे होगे तो, ठीक है, लोग झगड़े पे उतर आए। मतलब मैंने सिर्फ नॉर्मली बताया कि जो है रामलला की जो प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, जिस जो सभी लोग उत्सव मना रहे हैं, तो हमारे घर के बगल में भी लोग उत्सव मना रहे हैं जिसकी वजह से रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई, ठीक है। अब इस पे जो है लोग बवाल मचाना शुरू कर देंगे, क्या है ये सब, खैर छोड़ो टॉप। तो कल्चरल वैल्यूज जो है ये क्लियर हो गया आपको, कल्चरल वैल्यूज समझ में आ गया, मतलब जो एक्सट्रिंसिक है, मतलब जो है आपको बाहर की जो अपनी जो कल्चर है, अपने जो रीति रिवाज है, अपनी जो कम्युनिटीज है, उससे जो वैल्यूज आपको मिल रही हैं वो हो गई कल्चरल वैल्यूज। नेक्स्ट है मेरा पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यूज। दो तरह की वैल्यूज होगी अगेन, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। पॉजिटिव में क्या आ जाएगा, ट्रूथ हो गया, ऑनेस्टी हो गई, फेथफुलनेस हो गया, जिसे हर कोई चाहेगा कि ये बढ़े, ठीक है, ये इंक्रीज हो आपके अंदर। वहीं जो नेगेटिव वैल्यूज है जैसे लाइंग हो गया, झूठ बोलना हो गया, करप्शन हो गया, अनफेथफुलनेस हो गया, ठीक है, तो ये सब आप चाहोगे क्या कि मेरे बच्चे में हो, आप बोलोगे नहीं सर, ठीक है, ये क्या हो, एकदम मिनिमम हो, कम हो, ठीक है, तो ये हो गई नेगेटिव वैल्यूज। नेक्स्ट मेरा इंट्रेंसिक एंड एक्सट्रेंसिक, वही है, इंट्रेंसिक मतलब जो आपके भीतर हो, एक्सट्रेंसिक मतलब जो बाहर से आप ले रहे हो, ठीक है, तो रीड कर लेना, कोई बहुत ऐसा नहीं है जो आपको समझ में ना आए, ठीक है। एक आठवां नंबर है एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव एथिकल वैल्यूज। ये क्या होता है, देखो क्या है कि जो एब्सोल्यूट वैल्यूज होती हैं वो यूनिवर्सल वैल्यूज की तरह होती हैं, कि मतलब पूरे विश्व में जो है एक समान होती हैं, जैसे ट्रूथ हर जगह पे एक समान है, ठीक है। वहीं जो रिलेटिव एथिकल वैल्यूज होती हैं ये ऐसी वैल्यूज होती हैं जो कॉम्पेरेटिवली कंपेयर जिसे किया जा सकता है, और कंपेयर करने के बाद कहा जा मतलब ये समझा जा सकता है कि नहीं ये वैल्यूज ज्यादा बेटर है, ये हमें चूज करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल से बहुत अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है, जैसे सपोज करो कि जैसे इंडियन कल्चर, ठीक है, इंडियन कल्चर में क्या होता है, परिवारवाद है एक, मतलब फैमिली को लेकर के चलना है, पूरे परिवार को लेकर के चलना है, ठीक है। तो अब वहीं जैसे देखो यूएसए में क्या होता है ना कि जैसे ही बच्चा सब बड़ा होने लगता है उसे अलग कर दिया जाता है कि भाई तू अपना देख, अपना समझ, तुझे कैसे रहना है, कैसे जीना है, क्या करना है, और उस बच्चे का भी मन उसे लगता है कि मुझे अलग अपना लाइफ स्टाइल जो है अलग चूज करना है, अलग रहना है, तो वो अलग हो जाता है सीधा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि जब आप दोनों को कंपेयर करते हो, ठीक है, दोनों को जब देखते हो, तो वहां पे क्या है कि इंडियंस के अकॉर्डिंग परिवार को लेके चलना वो बहुत चैलेंजिंग होता है, और खुशी का जो मेन सोर्स है वो कहाँ है, परिवार के बीच में ही है। लोग खुश कब होते हैं, परिवार के बीच में ही होते हैं, ठीक है। वहीं अगर उनका जो कल्चर है अगर उन्हें समझा जाए तो वो भी क्या है, उन्हें फ्रीडम दी जाती है ताकि जो है वो चीजों को, वो लाइफ को अच्छे से समझें कि क्या है, कैसे करना है। उन्हें सपोर्ट बहुत कम दिया जाता है ताकि वो खुद जो है सस्टेनेबल हो सके, वो भी अपनी जगह पे सही है। लेकिन अगर इंडियन से पूछा जाए कि आप किसे चूज करोगे, इंडिविजुअल रहना चूज करोगे या फिर फैमिली को लेकर के चलना ज्यादा चूज करोगे, तो मैक्सिमम लोग जो है फैमिली को लेकर के चलना चूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि दो एथिकल वैल्यूज है, यहाँ पे दोनों एथिकल वैल्यूज में रिलेटिवली कौन बेटर है, किसके लिए ये चूज किया जा रहा है, ठीक है, क्लियर हो गया। तो बस आपको ये सब पढ़ लेना है कि यहाँ पे एब्सोल्यूट और रिलेटिव एथिकल वैल्यूज क्या होती हैं, किस तरीके से वो काम करता है,
ठीक है, इस पे बेस्ड जो है क्वेश्चंस होंगे, कुछ एनालिटिकल क्वेश्चंस होंगे, आपको उसके आंसर्स देने हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो है रोल ऑफ फैमिली सोसाइटीज एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट इन इनकल्केटिंग वैल्यूज। ये कोई बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, आप देखोगे कि जो वैल्यूज होंगी, ये वैल्यूज को एम्बेड करने का जो मेन रोल होता है वो किसका होता है, परिवार में। बच्चा जब छोटा रहता है तभी से फैमिली के बीच में रहता है वो, तो परिवार से ही सारी चीजें वो सीखना शुरू करता है, ठीक है। अगर हस्बैंड वाइफ आपस में झगड़ा करेगी तो बच्चे का कैरेक्टर भी उसी तरीके से डेवलप होगा, ठीक है। सोसाइटी सेकंड जो है, जो वैल्यूज वो गेन करता है वो कहां से गेन करेगा, कोई भी बच्चा सोसाइटी से गेन करेगा। और तीसरा एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, जिस स्कूल में जा रहा है, जिस कॉलेज में जा रहा है, उसका कैसा कल्चर है, किस तरीके से वहां पे ट्रीटमेंट किया जा रहा है, किस तरीके से वहां का एनवायरमेंट है, उसके अकॉर्डिंग भी वो बच्चा क्या होगा, ढलेगा। तो जो वैल्यूज हैं, इन वैल्यूज का जो मेन सोर्स है वो तीन होता है, एक फैमिली, दूसरा सोसाइटी, तीसरा एजुकेशन, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। तो एक परिवार से बच्चा क्या क्या सीख सकता है, तो ट्रूथफुलनेस, हैप्पीनेस, पीस, जस्टिस, ये सब वो कहां से सीखता है, परिवार से सीखता है, ठीक है। व्हेन सच वैल्यूज आर इनकल्केटेड इन चिल्ड्रन एट एन अर्ली एज, दे कंटिन्यू टू फॉलो देम फॉर द रेस्ट ऑफ देयर लाइफ्स। चिल्ड्रन एक्वायर सेल्फ नॉलेज, सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ सेटिस्फैक्शन, सेल्फ वर्थ and the capacity for self-sacrifices from their parents and the elders। मतलब जो parents से मिल रहा है सीखने को, जो elders से मिल रहा है सीखने को, वो सारी चीजें क्या है, सेल्फ नॉलेज, ठीक है। मतलब ऑलरेडी जो है वो क्या हो रहा है, ज्ञाता बन रहा है बहुत सारी चीजों का, ठीक है। सेल्फ कॉन्फिडेंस उसके अंदर क्रिएट हो रहा है, सेल्फ सेटिस्फैक्शन क्रिएट हो रहा है, ये सारी चीजें कहाँ से एक्वायर कर रहा है बच्चा, ऑब्वियसली अपने फैमिली से एक्वायर कर रहा है, ठीक है। अब ये ध्यान में रखना है कि कुछ मेथड्स हैं जिसके द्वारा जो है बच्चों में एक सही तरह की वैल्यूज को कल्टीवेट किया जा सकता है। वो सारे मेथड्स कौन कौन से हैं, इससे क्वेश्चंस बन सकता है। पहला है इंस्पिरेशन, दूसरा है एप्रिसिएशन, ठीक है, एप्रिसिएट करिए बच्चों को। इंस्पिरेशन, इंस्पिरेशन का कारण बनिए, माँ बाप ही सबसे बड़े इंस्पिरेशन होते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप कुछ मोरल स्टोरीज उन्हें सुना करके उन्हें इंस्पायर कर सकते हो। पनिशमेंट, बहुत बार क्या होता है कि माँ बाप जो है बच्चों को पनिश नहीं करते प्यार की वजह से, ठीक है, लेकिन पनिशमेंट बहुत बड़ा रोल प्ले करता है किसी के बच्चे के फ्यूचर के लिए या उनके अंदर एक अच्छी वैल्यूज को एम्बेड करने के लिए, तो पनिशमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। लव बहुत, मतलब हर चीज बैलेंस होकर के रहे, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग, सपोर्ट, ये सारे जो है इंपॉर्टेंट मैथड्स हैं जिसके द्वारा जो है एक बच्चे के अंदर राइट वैल्यूज को कल्टिवेट किया जा सकता है। नेक्स्ट है मेरा रोल ऑफ सोसाइटी। अब इसके अंदर बहुत ज्यादा कुछ नहीं है, बस ये ध्यान में रखना कि रोल ऑफ सोसाइटी में क्या होता है कि अगर सोसाइटी मोरल है तो वहां पे जो रहने वाले लोग होंगे उनका मोरल एथिक्स क्रिएट होगा, मोरल माइंडसेट बनेगा, ठीक है। अब 1000 चोरों के बीच में अगर एक साधु चला जाए तो कुछ दिन में वो भी चोरी करना सीख ही लेगा, ठीक है। तो वही है कि सोसाइटी, अब जिस तरह की सोसाइटी में रहोगे आप उसी के जो है चाल चलन को जो है धीरे धीरे करके ऑब्जर्व करना शुरू करोगे। इसीलिए कहा जाता है कि जब भी आप कोई नया घर लेने जा रहे हो तो आपको ये नहीं देखना है कि घर कैसा है, आपको देखना चाहिए कि वो परिवेश कैसा है जहां पे वो घर है, क्योंकि अल्टीमेटली जो है वही इंपॉर्टेंट है कि किस परिवेश में आप रह रहे हो, क्योंकि वहीं से सारी चीजें क्या होती हैं, सीखने को मिलती हैं, ठीक है। वो भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है एथिकल बिहेवियर डिटरमाइन करने में। जैसे मेरा रोल ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जो है वो किस किस तरह के वैल्यूज को एम्बेड करता है किसी भी चाइल्ड में, अपने स्टूडेंट्स में। तो सबसे पहले अकाउंटेबिलिटी, आपको एक लायबिलिटी या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की जिम्मेदारी देता है, मतलब इस तरह के कैरेक्टर डेवलप करता है जिससे आप अपनी गलतियों को एक्सेप्ट कर सको कि हाँ मैंने ये गलती करी है या फिर ये जो काम करा है वो मैंने करा है। दूसरा इंटीग्रिटी, तीसरा कॉरपोरेशन, चौथा है एप्रिसिएशन और पांचवा है डिसिप्लिन। तो ये है मतलब बहुत शॉर्ट में, बहुत कुछ इसके अंदर पढ़ना नहीं है, बहुत बेसिक चीजें हैं जो आपको यहाँ पे कवर करनी है और वो आपका हो गया। जो लास्ट वाला जो चैप्टर बचा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, हम लोगों ने जो अभी देख लिया इसमें जो लास्ट था, ठीक है, लेसन फ्रॉम द लाइफ्स एंड टीचिंग्स ऑफ ग्रेट लीडर्स, रिफॉर्मर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स। इसमें 8 या 9 लीडर्स हैं, जैसे महात्मा गांधी हैं, राजा राम मोहन राय हैं, तो इस तरह के टोटल 8 या 9 हैं लीडर्स। अब इनके जो है लाइफ्स और टीचिंग से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हैं, ठीक है। मैं आपको जब इसकी ये पीडीएफ दूंगा, ये पीडीएफ 24 आवर्स के अंदर अंदर जो डिफरेंट जो चैनल्स हैं, टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल, इन सब जगहों पे शेयर कर दी जाएगी, फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो वहां पे मैं ये जो लास्ट वाला जो टॉपिक होगा उसके भी इंपॉर्टेंट पॉइंट इंक्लूड करके मैं आपको दे दूंगा,
बहुत सिंपल है, आप आराम से रीड करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसके अंदर क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका एथिक्स इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड कवर होता है। हो सकता है कि बहुत किसी को ये लग रहा होगा कि बस इतना सिंपल था पढ़ना, तो बस यही सिंपल था। जो क्वेश्चंस है वो थोड़े से लॉजिकल पूछे जाएंगे, आपको ये कितना अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। ठीक है, आपको करना क्या है, जो आपको अभी समझ में आ गया ठीक है वीडियो के थ्रू वो तो क्लियर हो ही गया। अब एक बार ये जो पीडीएफ ऐसे रीड कर जाओ, रीड करने के बाद जो मैंने क्वेश्चंस जो है बनाए हुए हैं टेस्ट सीरीज में, आप वो अटेम्प्ट कर लो। ठीक है, तो यहाँ से आपका अच्छे से हो जाएगा एथिक्स इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड वाला टॉपिक। कहीं पे डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड विश यू गुड लक फॉर योर पेपर।